लिखा गया और वो जी न्यूज में, हर न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे टियांस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी न्यूज में आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको दिखेगा वो वीडियो। 6,500 लोग पूरी दुनिया से सिलेक्ट किए गए थे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो हम 6,500 लोगों से एक ह्यूमन सेंटेंस लिखा गया था जिसके लिए हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और स्पेन में हमने बहुत बड़ा एक पीस फ्लैग हमने वहां पर सेलिब्रेट किया था। और सोशल चैरिटी हमारी कंपनी ने 2,000 करोड़ से ज्यादा किया है और 1,000 से ज्यादा अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हमारे पास में फ्रॉम पूरी दुनिया से। अभी कश्मीर के लोग ज्यादा हैं, लाइन पे हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में शरिया का सर्टिफिकेट सिर्फ टियांस के पास है। शरिया यानी शरिया का सर्टिफिकेट जो इंडोनेशिया से इश्यू हुआ है, उसका वीडियो भी है और सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। यानी इसमें जो आप इनकम लेते हैं वो जायज है, हलाल है। और 6 से ज्यादा सर्टिफिकेशन हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है, इंडोनेशिया से है, मलेशिया से और कई कंट्रीज से है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि 1,000 से ज्यादा सर्टिफिकेशन हमारे पास है। यानी 1,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं और आप अगर एक ऑफिस बनाएंगे, 1,000 सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, तो पढ़ते पढ़ते तो पता नहीं कितने महीने निकल जाएंगे कि कौन कौन सी क्या क्या सर्टिफिकेट है। ये इस कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर ली जिनियन। मिस्टर ली जिनियन को मैं जितना जानता हूँ पिछले 15 साल से 16 साल से, बेहतरीन इंसान है, बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं। ये इनके बेटे भी हैं, बेटी भी हैं और एक बेटी है इनकी। ये चारों पर्सनालिटीज लगी हुई हैं पूरी दुनिया में, रेवोल्यूशन लाया इन्होंने, 190 देशों को एक ऐसा काम कर दिया इन्होंने। हेल्थ, वेल्थ और टाइम, ये तीनों चीजें दे रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम, जो मैं स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया था कि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। सॉलिड बैकग्राउंड हमारे पास है और ग्रेट लीडरशिप हमारे पास है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ये पूरी दुनिया के वो लीडर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। ये किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, किसी कंट्री का गवर्नर है और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर मिस्टर ली वहां के पॉलिटिशियन से, वहां के प्रेसिडेंट से, वहां के गवर्नर से मिलकर उस कंट्री में इस बिजनेस को लॉन्च किया है। और हर कंट्री, हर देश, हर मुल्क हमारा वेलकम करता है क्योंकि हम प्यार बांटते हैं, हेल्थ बांटते हैं, टाइम लोगों को सिखाते हैं कैसे अर्न किया जा सकता है। और वेल्थ, ये सर्टिफिकेशन है, आपको दिख रहा होगा हलाल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है उर्दू में, हलाल, और शरिया का सर्टिफिकेट है और देख सकते हैं आप। ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब, ये वहां की फोटोग्राफ है, ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ऑफिशियल लोग है और यहाँ पर हम लोग हैं, आपको पॉल साहब भी दिख रहे होंगे। ऊपर जी न्यूज का जो है वीडियो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये आपका जो है WF जैसे IDSA में हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनते हैं, मेक इन इंडिया को हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं। ये JP नड्डा साहब BJP के लीडर है जो आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब हमारा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका MET यूनिवर्सिटी है, उनके साथ में हमारा टाई अप हुआ है और तब मिस्टर ली यहाँ पर आए थे, उनके बेटे भी आए थे। तो ये इंडिया में तीसरी बार आ चुके हैं और ये तो नंबर वन था, यानी कि हमारा प्रोफाइल। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रोफाइल आपने देखा है कितना स्ट्रांग है, मैंने पूरा नहीं दिखाया, पूरा हमें बताता रहूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। हमें यूनाइटेड नेशंस से फ्लैग ऑनर में मिला है, यूनाइटेड नेशंस से मिस्टर ली को डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट मिला है और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो अगर हम करते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, कंपनी का प्रोफाइल खत्म नहीं होएगा, फिर बाकी रहेगा। तो नंबर टू पे आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा यूनिक है और हाई क्वालिटी का है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास है। 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडिया में, आपको मिल रहे हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात जो है कि क्यों सबसे ज्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि पूरी दुनिया में 3 प्रोडक्ट्स इजीएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, इजी सेल होता है, बेचना नहीं पड़ता है, बिक जाता है। पहला फ्यूल, पेट्रोल,
डीजल, दूसरा जो जैसे कि लीकर है बहुत ज्यादा बिकता है, दुकान खुलते ही कस्टमर उनकी लाइन लग जाती है, बेचना ही नहीं पड़ता है, बिक जाता है। यानी पहला जो मैंने बताया फ्यूल डीजल पेट्रोल, दूसरा लीकर यानी शराब, और तीसरा मेडिसिन जो नंबर वन पे आता है। मेडिसिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और 24/7 सेल होता है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज और उधार या कुछ इस तरह की बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी आप बोलते हैं किसी डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर साहब हम 500 रुपए नहीं, हम 300 रुपए देंगे, नहीं बोलते हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं खुद को ठीक करने के लिए या अपनों को ठीक करने के लिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। रात के 2 बजे अगर खुदा न खास किसी के घर में कोई गिर जाता है, चक्कर आ जाता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि अभी हमारा मूड नहीं है हॉस्पिटल जाने का, हम आनंद फानन में हॉस्पिटल चले जाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम अरेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम चले जाते हैं। तो ये जो है, ये हेल्थ का जो बिजनेस है, ये पूरे वर्ल्ड में फल फूल रहा है, क्योंकि बहुत सारी वजह है इसकी। सबसे पहली वजह है पॉल्यूशन, दूसरी वजह है पेस्टिसाइड्स, तीसरी वजह है जंक फूड। और इसमें अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक है ये। आप जानते हैं कि आजकल के लोग काम नहीं करते हैं, खाना बहुत ज्यादा और स्पाइसी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। दूसरी चीज है मोबाइल फोन, इंटरनेट, और जो है हमारा एक्सरसाइज ना करना, हेल्दी फूड ना खाना, सुबह जल्दी ना उठना, रात को ले जल्दी ना सोना, ये बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं, 80% लोग सब हेल्थ में हैं। ये WHO का सर्वे रिपोर्ट है, नीचे लिखा हुआ है इसमें। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पेस्टिसाइड्स से है। आप देखेंगे कश्मीर में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स यूज होता है, पंजाब में बहुत होता है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। जो हेल्थ इंडस्ट्री है एवरग्रीन हेल्थ इंडस्ट्री है, यानी यहां पे आप कभी भी आप पुराने नहीं होते हैं। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर में आपको रेस्पॉन्स बहुत मिलता है, और इसमें आप दूसरों के हेल्थ यानी सोशल वर्क भी कर सकते हैं और दूसरों को पैसे कमाने का तरीका भी बता सकते हैं, और खुद तो फाइनेंशियल फ्री हो ही जाएंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारे पास है यह है कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टार प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं हिमालयन गोल्ड। यानी ये एक अर्थवर्म की तरह एक कीड़ा होता है, और वो एक जो है जब उसकी मतलब डेथ हो जाती है, उसके ऊपर बर्फ पड़ जाती है, वो बर्फ पिघल जाती है, फिर उसके ऊपर सन एनर्जी पड़ती है, फिर सन एनर्जी की वजह से इसके सिर्फ एक फंगस निकलता है, वही फंगस है ये, आपको दिख रहा होगा। ये मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ हिमालयन मतलब तिब्बत में और जहाँ जहाँ हिमालयाज है वहां पे मिलता है ये, और ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन हमारी कंपनी बहुत कम में ये आपको प्रोवाइड करवाती है। सबसे बढ़िया काम ये लंग्स पे करता है और स्टेमिना पे, स्टेमिना और लंग्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर, और दूसरा ये हार्ट के लिए भी काम करता है, लिवर के लिए भी काम करता है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इस टाइम में कोरोना वायरस के दौर में सबसे ज्यादा काम आता है इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में। और दूसरा ये इसमें लिखा हुआ है लिवर, लंग्स, हार्ट, तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा हर प्रोडक्ट के बारे में। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और आपको पता है जो कछुआ है सबसे ज्यादा जी लेता है, जैसे 300 साल, 400 साल, 350 साल, 250 साल, वो यही खाता है। ये समुद्र के अंदर एक काई होती है, ये काई से बनाया जाता है स्पिरुलिना, और हमारा दी बेस्ट है। ये और कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, और इसको जो है कैप्सूल खोल कर अपना किसी भी प्लेट में पानी डाल के अपने फेस पे भी इसको एक फेस पैक बना सकते हैं, और उसके बाद आप अगर हफ्ते में 3-4 बार आप करेंगे, उसके बाद आप स्किन में डिफरेंस देखेंगे कि कितना
बढ़िया स्किन हुआ है आपका। और ये अगर आप 2 किलो वेजिटेबल्स खाएंगे और 2 कैप्सूल खाए, 1 कैप्सूल खाएंगे तो उसके बराबर में है। अब इससे फायदे क्या क्या होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम बात करेंगे। इसके बाद में मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन इसमें हर तरह का विटामिन होता है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको लेना चाहिए। जिंक और फी प्लस, जिनको ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये, और हाइट के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। बच्चों की हाइट अगर बढ़ानी हो तो जिंक देना चाहिए, और जिंक आइसेट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। फी प्लस जिसका नाम है, ये आयरन कैप्सूल्स है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, फीमेल्स को लेना चाहिए। ये है कैल्शियम डिस्किट्स और प्रोटीन पाउडर, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये बच्चों का प्रोटीन पाउडर है और कैल्शियम डिस्किट्स, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और प्रोकिट जो है, प्रोटीन पाउडर, अभी जो है आमिर खान का एक ऐड आता था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आमिर खान का एक ऐड आता था कुपोषण, कुपोषण एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारे देश में कि प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, जो पैसे वाले हैं उनको भी नहीं। हम क्या खाते, दाल रोटी साथ में फिर चाय पीते हैं, ये हमारा जो है, या कोई फ्रूट वगैरह एक आध लिया, लेकिन प्रॉपर डाइट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो ये जो है प्रोटीन पाउडर है, या फिर जिंक है, या इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जो हमारे पास है, जैसे मल्टीविटामिन है, ये प्रॉपर डाइट आप कह सकते हैं। और हाई फाइबर, जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होता है, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, मुंह से स्मेल आती है, तो ये एफओएस पाउडर और हाई फाइबर लेना चाहिए। इससे वेट भी रिड्यूस होएगा और दूसरा कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम और डाइजेशन ट्रैक क्लियर हो जाता है इससे। चिटोसन, कोएंजाइम और ओमेगा लाइफ, ये हार्ट के लिए है तीनों प्रोडक्ट्स। और चिटोसन लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, पेन होता है, या जोड़ों में पेन होता है, वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से, लीवर एक फ्लूड बनाता है, जब लीवर डिसऑर्डर होता है, लीवर फैटी हो जाता है, वो फ्लूड बनाना बंद कम कर देता है, और जो है जोड़ों में दर्द रहता है, और सबसे पहले पता चलता है हमारे जो है घुटनों में, क्योंकि नी पेन तभी होती है, वो फ्लूड नहीं बनता है, तो सबसे ज्यादा वजन हमारे घुटनों पे होता है, तो इसलिए वहां हमें ज्यादा महसूस होता है। लिवर को ठीक करो, घुटनों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और लिवर हो जाएगा ठीक चिटोसन से। चिटोसन फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और लिवर अगर अच्छा है तो हार्ट अच्छा है। और ओमेगा लाइफ जो है, इसमें ओमेगा 3 है, और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करेगा। और कोएंजाइम जो है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट तो बनता ही कोएंजाइम से। और ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है, यानी थरथराहट होता है, उसके लिए ये काम करता है। जिम्निमा, और ये प्रोटीन पाउडर है, जिनको डायबिटिक प्रोटीन पाउडर, जिनको पैनक्रियाज में बीटा सेल्स डैमेज हो चुकी होती है, इंसुलिन नहीं बन पाता है, और फिर वो बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। जिम्निमा के अंदर में एक हर्ब है जो पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स को दोबारा से रिजनरेट करता है, और इंसुलिन अंदर से ही बनना शुरू हो जाता है, और शुगर का लेवल नॉर्मल आ जाता है। और वो डाइट नहीं ले पाते हैं शुगर वाले, तो उनको ये प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, ये डायबिटिक प्रोटीन पाउडर है, बहुत बढ़िया। और ये आपका सेल रिजनरेशन, टी पॉली, ओपीसी प्लस। ओपीसी प्लस हार्ट के लिए है, ब्लड को थिन करता है ये, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके, और सेल्स दोबारा से रिजनरेट करता है, सेल रिजनरेशन। और टी पॉली जो है जोड़ों के लिए, और अगर कोई स्मोकिंग करता है या पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, उसको टी पॉली लेना चाहिए। और कोरोना वायरस के लिए टी पॉली बहुत अच्छा काम करता है, अगर इसको खोल के कैप्सूल्स को आप पानी में लेंगे, गर्म पानी में, तो इसकी चाय जैसी बन जाती है, टी पॉली यानी चाय का ही इंग्रेडिएंट है ये, तो बहुत ही बढ़िया है। जिनको जॉइंट्स पेन होता है उनको टी पॉली लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। और ओपीसी प्लस जो है ना, लोग घबराते हैं, मैंने एक बार वीडियो लाइव दिखाया था जब मैं अपना
एक बार प्रेजेंटेशन दे रहा था, लाइव मैंने ये ओपीसी प्लस चिटोसन, कई लोग अभी भी जानते होंगे, मैंने लाइव खाया था ये। तो आप ये तीन तीन चार चार कैप्सूल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई ड्रग्स नहीं, कोई दवाई नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। BCM मशीन, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, दोस्तों आप अगर 5 किलोमीटर की जॉगिंग करेंगे और 15 मिनट इस पे खड़े होंगे तो उतना फायदा मिलेगा जितना आपको 5 किलोमीटर की जॉगिंग पे मिलता है, उससे ज्यादा। ये पर्टिकुलर उन्हीं पॉइंट्स पे काम करती हैं जो पॉइंट्स एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे तलवों में, और दूसरा ये ऑप्टिमम लेवल तक ब्लड सर्कुलेट करती है, और इसके अंदर स्पाइरल वाइब्रेशन है। इसकी डिटेल में अगर जानना है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, जूम पे होती है हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जिन लोगों को पैरालिसिस या फिर जो है ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, या फिर घबराहट होती है, या फिर जो है लेथार्जी होते हैं, उनको BCM मशीन यूज करना चाहिए। BCM मशीन के यूज करने के कई सारे तरीके हैं, इसको आप लेट के भी यूज कर सकते हैं, बैठ के भी यूज कर सकते हैं, खड़े होकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जिन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो बहुत ज्यादा, और अगर हाई फीवर हो, प्रेगनेंसी हो, या फिर हार्ट में स्टेंट डला हो, या फिर जो है कहीं पर चोट लगी हो, ताजा चोट हो, या ऑपरेशन हुआ हो, या फिर स्टील रॉड डले हो, तो इस तरह के लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, पीरियड्स के टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए, बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा रहता है, इसके साथ ब्रोशर आता है, उसमें लिखा रहता है, इस तरह से यूज कर सकते हैं BCM खड़े होके बैठ के। दोस्तों ये हमारे पास में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा डिवाइस है एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ जो है एक्यूलाइफ में एक ऐसा डिवाइस है, अगर आपके पास ये मोबाइल जितना बड़ा है, मोबाइल में जिस तरह से डिजिटल मोबाइल है, ये भी डिजिटल है, इसमें 7 तरह के बटन्स हैं, ऑफ ऑन का है, और इसको फ्रिक्वेंसी सेट करने का है। जो आपको ये हैंड का मैप दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, आईज का है, लेग्स का है, आर्म्स का है, बैक का है, बैकबोन का है, हार्ट का है, लिवर का है, किडनी का है, थ्रोट का है, और गॉल ब्लैडर का, सबका, हर चीज का पॉइंट्स आपको दिख रहा है। इसके इसमें से एक तार निकलती है, वो तार के आगे एक पिन लगा होता है, वो पिन जो है पेन की तरह होता है, वो पेन आप हाथ में घुमाएंगे, जहां जहां ब्लैक डॉट है, अगर वहां करंट, मामूली सा करंट लगेगा, मीठा सा करंट लगेगा, अगर वो करंट लगा आपको, तो समझ लीजिएगा कि आपको वो ऑर्गन आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इस तरह से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप, फिर आपके पास में एक लिस्ट रहेगा कि उस ऑर्गन के लिए कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। यानी इस मशीन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी मशीन से आप रिलीफ भी दे सकते हैं, और साथ में ट्रीटमेंट के लिए आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। और सप्लीमेंट आपके पास में एक लिस्ट रहेगा जो हमने बनाया है, लीडर्स के पास में है वो लिस्ट, कौन से लिवर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे लिवर के लिए मैंने चिटोसन बताया, जैसे मैंने आइस के लिए मैंने जिंक बताया, और मैंने पार्किंसन के लिए मैंने बताया कोएंजाइम, हार्ट के लिए मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हार्ट में हार्ट का पॉइंट आपको वो कर रहा है, करंट लग रहा है, तो उनको ओमेगा 3 देना चाहिए। इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे बाबा रामदेव बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन चुके हैं इंडिया में, उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं इसको, कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक बाबा थे, वो हवन करते थे और साइकिल पे जाते थे, लेकिन उनको डाइटरी फूड समझ में आया है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, और आज वो बिलियंस ट्रिलियंस टर्नओवर कर रहे हैं, और पिछले 5-10 साल में आपने देखा है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 3 चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा इजी सेल होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन हैं। दोस्तों ये जो एक्यूलाइफ है, इसको KFDA यानी कोरिया, SFDA सऊदी अरेबिया और USA का सर्टिफिकेट मिला है, और 99.9% एफिकेसी है इसका टेस्ट में, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं,
और मैंने अपना करियर इसी इक्विपमेंट से स्टार्ट किया था, और मुझे उस टाइम में लोग डिजिटल डॉक्टर बोलते थे, डिजिटल पीर बोलते थे, पीर बाबा, कि मैं सब कुछ बता देता कि लेफ्ट लेग में पेन है, राइट लेग में पेन है, आपको स्पेक्स लगा हुआ है, आपको राइट आई में ज्यादा नंबर है या लेफ्ट आई में ज्यादा नंबर है, सब कुछ आप बता सकते हैं, और 5 मिनट में आप इस डिवाइस को सीख सकते हैं, जस्ट 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, अगर कोई सिखाने वाला बढ़िया हो आपके पास में। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, एक्यूलाइफ के बारे में, तो सारी रात जाएगी। बहुत ही बेहतरीन, जितना मैं तारीफ करूं इस प्रोडक्ट के, ये समझ लो कि ये प्रोडक्ट जो है ना छोटा सा है, जेब में रखो, कहीं भी जाओ अच्छा पैसा कमा सकते हो। कई लोग जो है 4-5 हज़ार डेली कमाते हैं इससे, और ये वाला डिवाइस जो है इसको भी 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, विनिंग प्रोडक्ट है ये। ये आपका जो है जिन लोगों को टेंशन रहती है, या फिर जो है थोड़ा सा गुस्सा आता है, या फिर जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है, या फिर जो है जैसे जिसको डिप्रेशन कहते हैं, तो आपको क्या करना है, फोर हेड से इस तरह से धीरे धीरे करके इसको यूज करना है। और आप ये भी कर सकते हैं, जो बीपी डिवाइस है, ब्लड प्रेशर देखने का डिवाइस है, वो आप लाके आप पूरे मजमे में, पूरे लोगों के बीच में आप किसी को भी कह सकते हैं कि भाई कितना बीपी है, चेक कर सकते हैं, और वो नोट कर सकते हैं कि ऊपर का और नीचे का कितना बीपी था। मान लीजिए ऊपर का 170 था, नीचे का 100 था, आप उसको 3 मिनट में यूज करने को देंगे उस पेशेंट को, वो अपने हाथ से उसको यूज करें, फोर हेड से यहाँ तक बैक तक धीरे धीरे करके 3 मिनट उसको यूज करेंगे। 3 मिनट यूज करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद दोबारा से जब चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर काफी नॉर्मल आ चुका होगा काफी हद तक, तो विदाउट एनी मेडिसिन। ये ऐसा डिवाइस है, और जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां पर इससे थेरेपी दे सकते हैं। सुनो, इसमें वाइब्रेशन भी होती है दोस्तों। ये ब्रेसलेट है, मैंने भी पहन रखा है, और ये जो है दूसरा प्रोडक्ट जो है ये आपका जॉय पेंडेंट, ये मैंने भी पहन रखा है, ये देख रहे हैं आप है? ये मैंने भी पहन रखा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स में एक के बारे में बताऊंगा, और इमेजिन कर लेना दूसरे भी ऐसे ही हैं। जब हमें डॉक्टर कभी नर्स देखता है तो यहाँ पे ऐसे देखता है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ वेन्स है, और यहाँ से हमें पता चलता है किसी मतलब कि ये बॉडी हेल्दी है या नहीं है, इसका पल्स रेट क्या है, और इस तरह से जो है ये मैंने पहन रखा है, ये एक मशीन है एक्चुअली, ये जो है पेंडेंट है, ये मशीन है, ये मशीन जो है इसके अंदर पावरफुल मैग्नेट है, और ये जो हार्ट का एरिया है, ये जो चेस्ट है हमारा, यहाँ पर, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, और हार्ट में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आर्टरी होती है, और वहीं से ब्लड सप्लाई होता है, और अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो धीरे धीरे करके हम क्लॉट बन जाएगा, और क्लॉट बनने के बाद में डॉक्टर कहता है बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, और हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन अगर ये आपके गले में है और इसमें सेल लगती है, इसमें लाइट जलती है, इसमें पावरफुल मैग्नेट है, और पावरफुल मैग्नेट क्या करता है, वो आयरन को खींचता है, ब्लड के अंदर आयरन होता है और आयरन को खींचता है, और जो है आपका क्लॉट नहीं बन पाता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आर्टरी में। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके पास ये है उसे हार्ट अटैक होने के बहुत कम चांसेस हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से जानता है। इसको सेल चेंज करना होता है, हमेशा इसको एक्टिव रखना होता है, रात को इसको उतार के सो सकते हैं आप दोस्तों। ये एच कप है, हाइड्रोजन कप है, और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन कप हम इसको बोलते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दिल्ली जैसे एरिया में, मैं दिल्ली में रहता हूँ कई सालों से, वहां पे क्या है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे टैंकी में पानी भर के रखते हैं लोग, और फिर वही पानी पीते हैं, वो पानी डेड हो जाता है, उस पानी के अंदर में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, और वही पानी जब हम पियेंगे वो जस्ट एक पानी होता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज जो है उसके अंदर जो बीटा सेल्स है वो डैमेज होनी शुरू होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो एच कप है, ये अगर आपके पास है, इसमें 10 मिनट में आप हाइड्रोजन पानी बना सकते हैं भरपूर मात्रा में। उसको आपने देखा होगा, अगर आप फिश मार्केट में कभी गए होंगे, जो फिश सेल करने वाला फिश सेलर होता है वो उस टब में बार बार हाथ छपाक छपाक ऐसे करता है, क्योंकि उस में ऑक्सीजन बना रहे, वो मछलियां जिंदा रहेंगी। सो
ये जो एच कप है 10 मिनट में ये पानी को एक मेडिसिन की तरह बना देता है। और इसकी भी ट्रेनिंग है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद में ये फ्रिज प्यूरिफायर है। फ्रिज प्यूरिफायर जो है ये ओजोन गैस बनता है, ओजोन गैस बनता है इससे। अगर हमारे घर में देखा जाए तो सबसे पहले बोलते थे लोग कि जो रिमोट कंट्रोल है बहुत गंदा रहता है, बहुत गंदा होता है घर में, सबसे ज्यादा गंदा रिमोट कंट्रोल होता है, या फिर टॉयलेट सीट है उससे ज्यादा गंदा हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, क्योंकि उसमें हम फिश कई तरह की चीजें रखते हैं और उसमें बैक्टीरिया होता है। तो ये अगर जो है, अगर आप उसमें दूध रखेंगे फिर दूध में स्मेल जैसी आती है जब आप चाय में उसको बना के पीते हैं, लेकिन अगर आप ये फ्रिज प्यूरिफायर अपने फ्रिज में रखेंगे और फिर उसी दूध की चाय बनाएंगे उसमें स्मेल नहीं आएगी, ट्राई कीजिएगा। ये बैक्टीरिया को किल करता है। और इसी की दूसरी मशीन हमारे पास है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल जो है ये चार इक्विपमेंट्स, चार प्रोडक्ट और हैं। म्यूजिक कुशन है, वेस्ट बैंड है, इसमें भी म्यूजिक थेरेपी है, और म्यूजिक कुशन में भी म्यूजिक थेरेपी है। और ये मैट्रेस है हमारे पास में, है बेड कवर की तरह, इसमें जेड स्टोन है। और ये जिनको इंसोमनिया होता है या फिर जो है लेथार्जी होते हैं या फिर इंसोमनिया की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीजों को ये फायदा करता है, बहुत सारी डिजीज में ये फायदा करता है और बहुत अच्छी नींद आती है। बुजुर्ग लोगों को ये यूज करना चाहिए और सबको वैसे यूज करना चाहिए। इसमें जेड स्टोन होता है। और ये जो है हमारे पास में, ये एयर प्यूरिफायर है। और एक मैंने इसको काफी डेप्थ में गया, स्टडी किया जब ये लॉन्च हुआ था। जो हमारी कंपनी जितने में दे रही है उतने में, मतलब इंडिया में कोई भी कंपनी इतने अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रही इस रेट में, और फिर हमें इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है जो एयर प्यूरिफायर है। दोस्तों ये हमारे डिवाइसेस थे। नंबर 2 पे आता है यानी प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट, और इसके बाद में मेरे दोस्तों आता है हमारा होम केयर, ये भी प्रोडक्ट में आता है। होम केयर में तो दी बेस्ट है हमारा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है सैनिटाइपाइड नैपकिन। गोट मिल्क से बना हुआ है, सोप हमारे पास है। आप मार्केट में जो डव सोप है उसको आप यूज करेंगे और जो 3 साबुन वो खत्म हो जाएंगे, ये एक ही चलता रहेगा। और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी है, डेमो देख सकते हैं इसका। और जो दूसरा स्पा सोप है, ये हमारे पास हैंडमेड सोप है। ऑयल हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन बढ़िया, जो सबसे ज्यादा बिकता है। शैम्पू हमारे पास में, इसके अंदर में जो है कंडीशनर भी है। हैंड वॉश हमारा एलोवेरा से बना हुआ है। टूथपेस्ट हमारा जो है बहुत बेहतरीन है और इसमें जो है केमिकल फ्री है। और 3 सैनिटाइपाइड नैपकिन हमारे पास है, पेंटेलाइनर, डे यूज और नाइट यूज। डे यूज और नाइट यूज में सिर्फ डिफरेंस ये है साइज का, छोटा साइज और बड़ा साइज है। और पेंटेलाइनर जिन लोगों को, जिन लेडीज को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो डेली यूज कर सकते हैं। और सैनिटाइपाइड नैपकिन में मैं 2 मिनट लूंगा। सैनिटाइपाइड नैपकिन हमारा इतना बेहतरीन है, पूरी दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है इसका। सैनिटाइपाइड नैपकिन जो है मतलब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे रिपोर्ट है, 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू यूट्रस कैंसर, यूट्रस इन्फेक्शन, जिसकी वजह है जो पॉर सैनिटाइपाइड नैपकिन यूज करते हैं, जो मार्केट में मिलता है, जो प्लास्टिक से बना होता है और सिंथेटिक से बना होता है। ये इसमें वर्ल्ड बेस्ट कॉटन यूज किया गया है, 8 तरह की लेयर्स हैं इसके। जिसके साथ भी आप आए हैं उनको सबसे पहले बोलिएगा इसका डेमो हमें दिखाएं। देखिए अगर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है, वो हमारी माँ भी हो सकती है, बहन हो सकती है, और कोई भी ऐसी फीमेल हो सकती है जिससे हमारा ऐसा रिलेशन, बेटी का रिलेशन है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है। तो इसमें हम शेयर करते हैं। मैं एक बार एक जगह पे इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था तो बहुत सारे लोग उठ के चले गए। तो मैंने उनको, उन लोगों को बोला कि भैया अगर आपके घर में टाइम पे खाना तैयार नहीं होता है, आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपकी बेटी बीमार है या भाभी बीमार है, तो आपके घर में खाना तैयार नहीं होता है, अगर घर में लेडीज बीमार होती है तो ऐसा लगता है पूरा घर बीमार है, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। अगर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है और उसका, उसकी वजह अगर सैनिटाइपाइड नैपकिन है जो मार्केट में मिलता है, जो एकदम जो है प्लास्टिक से बना होता है, और अगर ये बहुत बढ़िया है तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने इसका डेमो दिया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है वहाँ लोगों ने, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो बहुत ही अप्रिशिएट किया है और बहुत अच्छा उन्होंने इसको लिया है। ये हमारे पास में
जो होम केयर प्रोडक्ट है इसका कोई भी मुकाबला नहीं है मार्केट में, आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। टूथपेस्ट है हमारे पास में, इसके बारे में मैंने बता दिया है, सोप के बारे में मैंने बता दिया है, और यह है शैम्पू, यह है आपका डिश वॉश, हैंड वॉश, सैनिटाइजर नैपकिन, और सैनिटाइजर नैपकिन जो है इसमें मैंने आपको बताया 8 तरह की लेयर्स हैं, इसमें 8 लेयर्स हैं, और नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 पे पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी में 70% फीमेल्स हैं जो सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग या फिर हमारी कंपनी में जो टॉप लेवल पे है, हमारी जो सीनियर है वो भी एक फीमेल है, उनकी सीनियर है वो भी एक फीमेल है, और उनकी जो सीनियर है वो भी एक फीमेल है, और उनकी जो सीनियर है वो भी एक फीमेल है, और जो सबसे सीनियर है मिस ली, वो इंडिया में आई थी और उन्होंने बड़े लीडर्स को ट्रेनिंग दी थी, वो एक फीमेल है और उनकी एज मेरे ख्याल से नियर 70 होगी। तो उनकी जो इनकम है वो करोड़ में है अगर हम इंडियन करेंसी में देखेंगे तो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पे आउट प्लान और पे आउट, यानी जो चौथा पी है, फोर्थ पी, यानी पैसा प्लान। और इसके लिए मैं आपके साथ में थोड़ा सा ये शेयर करूंगा कि देखिए एक होता है जो पहले मैंने बताया था कि जो पैसिव इनकम है और जो एक्टिव इनकम है दोनों में क्या फर्क है। सब लोग जानते हैं पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप मौजूद भी नहीं है, आप सोए हुए हैं तो भी आपके इनकम चल रही है। एक्टिव इनकम ये है कि आप काम पे जाएंगे, काम करेंगे, जब भी पैसा आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें समझने की और समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप काम करेंगे तभी पैसा आएगा, और दूसरा इंसान ऐसा था काम नहीं करेगा, सो जाएगा तब भी पैसा आएगा। तो इसमें क्या है, हमारे इसमें क्या है, इसमें आप एक्टिव और पैसिव इनकम में आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक्टिव इनकम, एक्टिव और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है, जैसे आप खेत में गेहूं बो लेते हैं और गेहूं बोने के बाद में कुछ टाइम के बाद में जाकर आप फसल काट लेते हैं, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव फसल यानी आपने बोया और जाया गया काटा। अगर आपको दोबारा चाहिए तो दोबारा जाओ, दोबारा बो और दोबारा जो है फसल काटो, यानी बो और काटो, यानी धान लगाओ, गेहूं लगाओ और फिर काटो, लगाओ और काटो, लगाओ और काटो। और दूसरा चीज है, जैसे सेब का पेड़ है, एप्पल ट्री है, आम का ट्री है, एक बार लगा लो और आपको कम से कम 5 साल तक वेट करेंगे आप, तो उसके बाद में आप 100 साल तक सेब खा लो, 100 साल तक आम बेचो, 100 साल तक वो आम आपके बच्चे, उनके बच्चे, तीसरी, जैसे अभी बहुत सारे लोग लाइन पे हैं और जानते हैं सेब के बगीचे हमारे यहाँ पे हैं, मेरे घर में भी हैं, मेरे दादाजी ने बनाया था, मेरे फादर ने बनाया, आज मैं लाखों रुपए का सेब बेच रहा हूँ। और ये लोग हैं जो मैं जानता हूँ, जिन लोगों सबके घर में सेब है, कोई 10 लाख का बेच रहा है, कोई 20 का, कोई 25 का, आपने तो नहीं बनाया, आपकी एज तो इतनी है नहीं, आपके दादाजी ने बनाया है वो बगीचा, तो आज भी आपके बच्चे भी उस बगीचे के सेब को बेचकर अपना इनकम कर सकते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है, आज आपने कुछ टीम बनाया और आगे आप उस टीम का फायदा खा सकते हैं, ले सकते हैं, और इस तरह से उनके लिए भी है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आप अपना बॉस खुद ही होते हैं, अपना सैलरी आप खुद अपने हाथ से लिखते हैं और ये आपका खुद का बिजनेस होता है, राइट। सो अब इसमें दो तरह का, मतलब एक तरह की मार्केटिंग आप मार्केट में देखते हैं कैसे होता है,
पहले आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार जो है वो होलसेलर से लेता है, वो फिर होलसेलर जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किसी कंपनी से लेता है, कंपनी किसी मैन्युफैक्चरर से लेती है, और कस्टमर तक एड के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचता है। तो जो एडवर्टाइज में पैसा लगता है, आप देखिएगा कि जैसे पेप्सी है या सोप है या जो है आपका टूथपेस्ट है, वो कितने का होता है? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम टूथपेस्ट 50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का होगा, लेकिन हम 20-25 रुपए का खरीदते हैं मार्केट में, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का खरीदते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडल मैन है। यानी जो एडवर्टाइज में पैसा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा जाता है, पहले जमाने में हम जो है टीवी देखते थे और फिल्म देखते थे, बीच बीच में ऐड आता था, और पहले जमाने में हम मैच देखते थे, बीच बीच में ऐड आता था, लेकिन आजकल हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बीच बीच में मैच आता है, आजकल हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और बीच बीच में फिल्म आती है, यानी इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि उसमें जो पैसा जाता है वो कस्टमर पे करता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, जो उसमें पैसा जाएगा एड एंड पब्लिसिटी में पैसा जाएगा, जो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े होलसेलर जो पैसा लेते हैं, वो आपको मिलेगा अगर आप रिकमेंड करेंगे कस्टमर्स को, अगर आप अपना टीम बिल्ड करेंगे, टीम बनाएंगे। ये जो बिजनेस प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, ये मेरी मतलब नॉट ऑनली गारंटी, मोर देन गारंटी, पूरी धरती पे, पूरे ग्लोब में ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, ये हाइब्रिड बाइनरी प्लान है, यूनिलेवल प्लान है, जनरेशन प्लान है, यानी हाइब्रिड बिजनेस प्लान है। इसके अंदर में सब कुछ है, सब कुछ। यानी सब कुछ का मतलब क्या है? कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिटेल पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टीम बना लिया, बस 2 लाइनें चलाई तो भी उसको जो है फायदा हो सकता है, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ब्रॉड काम करते हैं, बड़ी लाइनें खोलते हैं तो उनको भी पैसा मिल सकता है। तो हर तरह के बंदे को यहाँ पर पैसा मिलेगा, चाहे वो रिटेल पसंद करता है, चाहे वो नेटवर्क बिल्ड करना पसंद करता है, दोनों तरह से बहुत फायदा है। रिटेल में भी बहुत फायदा है, मोर देन 50% फायदा है, और जो है नेटवर्क बनाने में तो बहुत फायदा है। हमारे 4 तरह के कार्ड है, एक ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इसमें कितना लगता है, क्या लगता है, वो मैं बाद में बता दूंगा, फायदा देख लो पहले कितना है, फायदा किस तरह से है। फर्स्ट इनकम, रिटेल इनकम, रिटेल इनकम अगर आप जो है देखेंगे, यानी लगभग लगभग 20% एमआरपी और डीपी प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, तब तक मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए एजाज डार साहब कोई कुछ भी बढ़िया शेयर करें, जब तक मैं वापस आता हूँ। एजाज डार साहब आप लाइन पे हैं? डार साहब आप लाइन पे हैं? चेक करता हूँ, उनका जो है नेटवर्क कभी कभी जो है कट जाता है। आप करिए। जी, मैं पहले डार साहब को देखता हूँ। डार साहब आपको मैं अनम्यूट किया हूँ, एजाज अहमद वार साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कह रही हैं सर, डार साहब को बुलाना, कुछ कहना था सर। एक्चुअली डार साहब, मैं वापस आ गया है, मैं वापस आ गया। ओके ओके सर। जी, हाँ मुझे बुला रहे थे तो वो कोई ज्यादा मजबूरी काम नहीं था। चलिए, तो जो रिटेल बोनस है, रिटेल फायदा है, अप टू 20% तो आपको डिस्काउंट मिलता है एमआरपी और डीपी प्राइस में, और प्लस अगर आप सिल्वर हैं तो 5% और मिलेगा, अगर आप गोल्ड हैं तो 8% और मिलेगा,
अगर आप प्लैटिनम है तो 15% और मिलेगा, तो इसको अगर प्लस प्लस करेंगे 25, 28 और 35 प्लस। अगर आप काम करेंगे यानी किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो 10% ये 10% 15% 18% और 20%, इस तरह से आपको आगे फायदा मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि मैं जो बिजनेस प्लान आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर हो रहा है बाबा साहब, स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ओके ओके, जो मैंने आपको बताया था चैलेंज के साथ, मैं कह रहा था आपको कि पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस प्लान ऐसा नहीं है। आप देखेंगे दो तरह की सेल्स हमारे पास है, डेवलपमेंट सेल और रिटेल सेल। डेवलपमेंट सेल क्या होती है और रिटेल सेल क्या होती है? डेवलपमेंट सेल होती है जो हमारे पास चार तरह के कार्ड है, और रिटेल सेल होती है कि कोई 200 500 हजार रुपए का भी कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट सेल हमारे पास में चार तरह के कार्ड है, जो एक कार्ड जो है 100 बीवी, दूसरा कार्ड 200 बीवी का है, तीसरा कार्ड 400 बीवी का है, और चौथा कार्ड जो प्लैटिनम है वो 400 बीवी का तो गोल्ड कार्ड आता है। अगर उसकी तरह के दो कार्ड आप नीचे अपने ही नाम से लेते हैं तो आप प्लैटिनम बन जाते हैं, यानी टोटल 1200 बीवी जाता है। और एक बीवी का जो वैल्यू होता है वो होता है लगभग लगभग आप 100 रुपए लेकर चल सकते हैं, 100 के आसपास, यानी जो है 10,000, 20,000, 40,000 और 1,20,000 रुपए, यानी चार कार्ड जो है उनका जो वैल्यू है, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट सेल करके आपका पैसा रिफंड आ सकता है जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपने लगाया है। और उसके बाद में आप जब काम करेंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। और दूसरा जो है रिटेल बोनस, रिटेल बोनस ये जो रिटेल सेल है, रिटेल सेल में यूनिलेवल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बोनस, एलाइड बोनस, और डेवलपमेंट सेल से आपको मिलेगा टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट सेल्स बोनस, ट्रेनिंग बोनस। यानी जो डेवलपमेंट सेल होंगी, यानी चार कार्ड की सेल होंगी, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, ये चार कार्ड की जो सेल होंगी उससे आपको ये तीन बोनस मिलेंगे। और रिटेल सेल जो होंगी, जो 200, 400, 800, 1200, 1500 जो सेल होंगी, छुटफुट सेल होंगी, उससे आपको ये दोनों इनकम मिलेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, आज मैं एक चीज क्लियर करूंगा आप लोगों को। तो जो ऑनरी बोनस है, ऑनरी बोनस यानी जो इंटरनेशनल बोनस है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो है रिटेल सेल से मिलता है। रिटेल सेल से ही ऑनरी बोनस मिलता है, डेवलपमेंट सेल से नहीं मिलता है। और जो है स्पेशल बोनस, यानी ये रिवॉर्ड्स है, कार फंड है, लगभग 19,80,000 रुपए की कार है, और लगभग टोटल मिला के 1.25 करोड़ का जो है रिवॉर्ड है। इसमें एक विला है, एक कार है, वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मैंने जो चार कार्ड की के बारे में आपको बताया था, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऊपर आप देख पा रहे हैं ब्लू कार्ड कुछ नहीं होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, 100 बीवी, 200 बीवी, 400 बीवी, 400 बीवी प्लस 2 400 बीवी, यानी आप प्लैटिनम होंगे। इसका मार्जिन कितना होगा आगे मैं बताऊंगा। और ये जो है इसके बाद में, ये तो डेवलपमेंट रैंक्स है, और नीचे जो है ये बेसिक रैंक्स है। बेसिक रैंक क्या है और डेवलपमेंट रैंक क्या है? डेवलपमेंट रैंक हमारे पास सिर्फ चार तरह की है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और जो बेसिक रैंक है, यानी जो मेन बिजनेस प्लान है, वो है थ्री स्टार। थ्री स्टार कुछ नहीं है, 4 स्टार से कंसिडर है, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, देन ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर। तो यानी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टार, 4 स्टार से लेकर ऑनरी डायरेक्टर तक ये पड़ाव है। ये जो ऑनरी रैंक्स है, यहाँ तक पड़ाव है, ये पड़ाव आपको पार करना है, और इस पड़ाव को पार करने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप स्लोली स्लोली भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। ब्रॉन्ज कार्ड पे, अगर आप ब्रॉन्ज कार्ड है, यानी 10,000 रुपए का कार्ड आपने ले लिया, 10,000 के हाउस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपकी मर्जी का प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी आप लेना चाहेंगे, और आपको 10%
डायरेक्ट बोनस मिलेगा, यानी आप को किसी भी व्यक्ति को आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इनवाइट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, ज्वाइन करवाएंगे, उसको अपना साथी बनाएंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, अपना नेटवर्क में लाएंगे, तो आपको 10% मिलेगा जो भी वो खरीदेगा, चाहे वो 40,000 का खरीदेगा, चाहे वो 10,000 का खरीद लेगा, या चाहे वो 20,000 का खरीद लेगा, तो कितने का भी खरीद लेगा आपको 10% मिलेगा उसके उस पैसे का, बिजनेस वॉल्यूम का। सिल्वर कार्ड पे आपको 15% मिलेगा अगर आप सिल्वर कार्ड यानी 20,000 वाला कार्ड खरीदा है। अगर आपने 40,000 वाला कार्ड खरीदा तो आपको 18% मिलेगा। अगर आप प्लैटिनम है तो आपको 20% मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप ब्रॉन्ज कार्ड होल्डर अगर हैं तो आप सिल्वर कार्ड भी अपग्रेड कर सकते हैं बाद में, और या एक साथ में सिल्वर खरीद सकते हैं या एक साथ में गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप सिल्वर कार्ड हैं तो आपको गोल्ड होना है, तो आपने पहले 20,000 का कार्ड, 20,000 यानी 200 बीवी का कार्ड लिया है, फिर आप बाद में 200 बीवी कर सकते हैं तो गोल्ड कार्ड आपका हो जाएगा। और प्लैटिनम कार्ड के लिए आपके गोल्ड दो नीचे होने चाहिए और खुद भी गोल्ड होना चाहिए, तो आप प्लैटिनम हो जाएंगे। और प्लैटिनम सबसे बेस्ट है, यानी ट्राई कोड आपको मिलता है, तीन आईडीज आपके ही नाम से मिलती हैं। और अगर आपको और ज्यादा फायदा चाहिए तो आप अपनी अपलाइन से पूछ लेना स्ट्राइक कोड क्या होता है, सात ज्वाइनिंग्स क्या होती है, आप सात ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों 100 बीवी, 200 बीवी एंड 400 बीवी, यानी ब्रॉन्ज सिल्वर, आप देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, यानी 100 बीवी, 200 बीवी, 400 बीवी, यानी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, ये 10,000 पूरे नहीं है, ये 8,500, 9,000, 10,000, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, सेम 200 बीवी, सेम 400 बीवी। तो आपको फायदा क्या मिलेगा, 100 बीवी से अगर आप स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्ज कार्ड से, तो आपको 10% तो डायरेक्ट मिल जाएगा, प्लस आप अगर एक मान लीजिए ए बना लिया आपने और बी भी बनाएंगे, तो आपको उसका जो मैचिंग बोनस है, यानी ए और बी का मैचिंग होएगा, उसका 8%, यानी ए का अगर मान लो ए ने 40,000 का प्रोडक्ट ले लिया और बी ने भी 40,000 का प्रोडक्ट ले लिया, तो वो 40,000 के मैच हो जाएगा, तो आपको उसका 8% मिलेगा। अगर आपने उसी हफ्ते में दो लोगों को और स्पॉन्सर किया तो आपको 9% मिलेगा दूसरी मैचिंग से। एक ही हफ्ते में अगर दो मैचिंग लगती है, तीन लगती है, चार लगती है, दस लगती है, तो पहली मैचिंग में आपको 8% मिलेगा, बाकी सब मैचिंग पे 9% मिलेगा। इसी तरह से सिल्वर पे पहली मैचिंग पे 9%, बाकी सब पे 10। इसी तरह पे गोल्ड पे पहली मैचिंग पे 10, बाकी सब पे 11। इसी तरह से प्लैटिनम पे पहली मैचिंग पे 11, बाकी सब पे 12। और अगर आप सिल्वर कार्ड होल्डर हो जाएंगे तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी एमआरपी और डीपी प्राइस में जो डिफरेंस है, जो डिस्काउंट है, प्लस 5% और मिलेगा। गोल्ड पे प्लस 8% और मिलेगा डिस्काउंट, लाइफ टाइम डिस्काउंट है ये, जिंदगी भर के लिए। प्लैटिनम पे 15% और डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिएगा, ये बिजनेस प्लान में लिखा हुआ है, ये पॉलिसी नहीं है, ये बिजनेस प्लान में इनबिल्ड है, राइट। और इसमें जैसे इसमें आपका लिखा हुआ है 15%, 8%, 5%, ये बिजनेस प्लान में, ये परमानेंट है, ये हमेशा है के लिए है, लाइफ टाइम के लिए है। और अगर आप सिल्वर हैं, सिल्वर कार्ड होल्डर हैं, तो आपको जो आपके टीम में लोग होंगे ए बी, और ए और बी के नीचे भी ए और बी होंगे, उनके नीचे भी अपना ए और बी होंगे, सी डी भी होंगे, ई एफ जी भी होंगे, जितना भी, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोगों को कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, यानी जो आपके बच्चे हैं, यानी जो आपके बच्चे हैं, जो आपने पैदा किए हैं, उनसे आपको 5% मिलेगा उनकी इनकम का। यानी जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, वो जितना भी पैसा कमाएगा उनको उतना पैसा बराबर आएगा, लेकिन कंपनी अपने पूल से आपको उस टोटल अमाउंट का 5% देंगी जो वो कमा रहे हैं, यानी आपको उनकी इनकम से भी पैसा आएगा। आपको अपनी इनकम तो आ रही है, मैचिंग बोनस आ रहा है, डायरेक्ट बोनस आ रहा है, प्लस ये आपको ट्रेनिंग बोनस, आप सिखाने का भी पैसा, आप फ्री में नहीं सिखा रहे किसी को, कंपनी उसका भी पैसा आपको दे रही है। और दूसरी जनरेशन से भी टोटल इनकम का 5% मिलेगा, दो जनरेशन से, दो लेवल्स का। और अगर आप गोल्ड कार्ड हैं तो तीन लेवल पे मिलेगा, तीन लेवल तक मिलेगा। अगर आप प्लैटिनम कार्ड हैं तो चार लेवल तक मिलेगा, तो ये 20% टोटल होता है। तो दोस्तों, आप सिल्वर कार्ड का पैसा ले रहे हैं दो जनरेशन का, जिस दिन भी आप गोल्ड कार्ड हो जाएंगे, टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो आपको तीन जनरेशन पे मिलेगा। और जिस दिन भी आप चार जनरेशन का मिले, चार जनरेशन हो जाएंगे,
और आप प्लैटिनम हो जाएंगे तो आपको ये चार जनरेशन का मिलेगा। यानी प्लैटिनम पहुंचने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, स्लोली स्लोली भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे भी और फास्ट भी, एक साथ भी आप एक दिन में भी प्लैटिनम हो सकते हैं, आपको टाइम भी लग सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद में यूनि लेवल बोनस आता है। यूनि लेवल बोनस वाकई में एक ऐसा बोनस है जो मतलब ऐसा बोनस है कि जो आपको करोड़पति बना सकता है दोस्तों। यूनि लेवल बोनस होता क्या है, कोई भी हमारी चार क्लोजिंग होती है, पहली क्लोजिंग 4 तारीख को होती है, दूसरी क्लोजिंग 11 तारीख को होती है, तीसरी 18 को होती है और चौथी 25 तारीख को होती है। 4 तारीख और 11 तारीख का जो पैसा हमें, वो हमें 30 तारीख को मिलता है, हर महीने 30 तारीख को, और जो 18 और 25 तारीख का जो पैसा है वो हमें 16 तारीख को मिलता है, और जो रिटेल सेल का जो बोनस है वो हमें 10 तारीख को मिलता है। तो दोस्तों ये जो आपका यूनि लेवल बोनस है, इसमें हमारी कंपनी में कोई भी व्यक्ति जब अपना काम करेगा, कमीशन बनता है उसका, पहले हफ्ते में जो 4 तारीख होता है, 4 तारीख से पहले मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम यानी 20 पीवी यानी 1320 रुपए इंडियन करेंसी उसको अपने आईडी पे लेना चाहिए, और 4 हफ्तों का जो बोनस है वो उसको मिलेगा, और लेना एक ही बार है 4 तारीख से पहले, लेकिन पूरे महीने का पैसा मिलेगा। मान लीजिए पहले वीक पहले हफ्ते को वो भूल गया तो तीसरे हफ्ते में उन्होंने किया तो 3 हफ्तों का मिल जाएगा। मान लीजिए 2 हफ्तों में भूल गए वो तो फिर उसके बाद किया तो 2 हफ्तों का मिल जाएगा। जब भी वो करेगा तो उनको मिलेगा, 4 हफ्तों का चाहिए तो 4 तारीख से पहले करें। लेकिन उस 1320 रुपए में कंपनी जो है यूनि लेवल बोनस 42% उस 1320 रुपए का जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 42% डिस्ट्रीब्यूट करती है। और किस तरह से करती है, हर व्यक्ति से 1320 रुपए यानी $20 20 पीवी जो भी अपने आईडी पे खरीदता है, जो सीनियर होता है यानी आपको हर व्यक्ति से 5% मिलेगा 5 जनरेशन तक। यानी आप देखिए, पहले आपके फ्रेंड में 4 लोग होते हैं और 4 फ्रेंड के फ्रेंड में 4 होते हैं यानी 16 लोग, 16 के नीचे 4 कितने लोग हो गए, आपको हर व्यक्ति से 5% मिलेगा उस $20 का, उस 20 पीवी का, उस 1320 रुपए के बिजनेस वॉल्यूम का। और गोल्ड कार्ड जो है आपको 6 जनरेशन तक तो आपको 5-5% मिलेगा और 2 जनरेशन पे आपको 3-3% मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लैटिनम है तो आपको 10 जनरेशन तक मिलेगा। ये जो 3% 5% से कम दिख रहा है, लेकिन ये 3% 5% से ज्यादा है, क्योंकि नीचे जो है व्यर्थ में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो ये 3% बहुत होता है। यानी ये एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जो आपका मेन बोनस है वो मैचिंग बोनस है, जो दूसरा बोनस है आपका डायरेक्ट बोनस है, और फिर आपको ट्रेनिंग बोनस भी मिल रहा है, और ये यूनि लेवल बोनस एक्स्ट्रा बोनस है ये जो आपको मिल रहा है, राइट। और ये नीचे लिखा हुआ है 20 पीवी, और अगर कोई 7 स्टार है तो उस पर 50 पीवी है, और अगर 8 स्टार है तो 100 पीवी है, अगर ब्रॉन्ज लॉइन अबो है तो 200 पीवी है। लेकिन ये सब करना जरूरी तभी है जब आपका रिटेल सेल भी होता है, अदरवाइज आप 20 पीवी चाहे 8 स्टार है 20 पीवी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉलिसीज वगैरह सब कुछ चाहिए तो आपको 100 पीवी करना चाहिए, तो लेकिन कंपलसरी नहीं है, 20 पीवी कंपलसरी है अगर आपको बिजनेस का बोनस चाहिए। अगर आप मान लीजिए नहीं करते हैं तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है, सिर्फ बोनस नहीं आएगा, टर्मिनेट नहीं होते हैं आप, आपकी आईडी बंद नहीं होती है, ये सब नहीं होता है, ये सब चलता रहेगा, आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। और एक साल के बाद में आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेना चाहिए अपने आईडी पे। लेकिन कभी भी आप इस नेटवर्क से बाहर नहीं होते, हमेशा रहते हैं, और ये है कि कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए आप। इसके बाद में दोस्तों बताऊंगा पांचवा बोनस जो है, ये है रिटेल सेल का जो बोनस है 10% से लेके 42% तक, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंशियल बोनस है। मान लीजिए आप 41% पे हैं, स्टार गोल्ड लाइन पे आप 41% पे हैं, आपके नीचे कोई 20% पे है, उसने अगर कोई प्रोडक्ट 2000 का प्रोडक्ट बेचा उसको 20 मिलेंगे, आपको डिफरेंस 21% मिलेंगे, इस तरह से डिफरेंशियल बोनस मिलेगा। यानी 42% में जो आपके नीचे लोग होते हैं उनका डिफरेंस मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप ऑनरी डायरेक्टर होते हैं और डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए अप टू 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा,
और 15% आपको प्लैटिनम का डिस्काउंट मिलेगा। और जो कंपनी आपको कंपनी में आप पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, और जो कंपनी आपसे पैसा लेती है उसका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 42% आपको फिर से वापस मिलता है। तो आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको ये बात याद आ रही होगी जो मैंने आपको कंज्यूमर टू फैक्ट्री बताया था, उसमें जो 70% पैसा जाता है वो कहाँ कहाँ जाता है, वो आपको यहाँ पर आपको मिल सकता है। दोस्तों अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ छठा बोनस, ये एलाइड बोनस है। एलाइड बोनस यानी ये आपको उन लोगों से मिलता है जिनको आप जानते भी नहीं होते हैं। यानी अगर आज आप हमारे साथ काम करते हैं और आज आप ज्वाइन करते हैं, आपसे पहले जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले काम कर रहे थे इस कंपनी में, वो जो भी सेल कर रहे होंगे, चाहे 10 करोड़ चाहे 20 करोड़ चाहे 50 करोड़ चाहे 5 लाख, उसका पैसा भी आपको मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप ब्रॉन्ज लाइन बन जाते हैं। ब्रॉन्ज लाइन होता है जिसके नीचे 2 8-स्टार होते हैं, और वो जब आप जिनके साथ आप आए हैं बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि और क्लियर करेंगे आप लोग। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स दोस्तों ये है कि एलाइड बोनस ऐसे देती है कंपनी, पूरी कंट्री का जो टर्नओवर होता है उस कंट्री का टर्नओवर का 7%, ये देखिए ये 7%, यहां मैं माउस घुमा रहा हूं, 7% पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का जो टर्नओवर है उसका 7% कंपनी निकालती है और वो पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है? अगर आपके नीचे 2 8-स्टार हैं तो आपको 2 पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे, अगर आपके नीचे 3 8-स्टार हैं तो 3 पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे, 4 है तो 4 पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे, 5 है तो 5 पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पॉइंट, आप पूरे इंडिया में जितने भी पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे उन पॉइंट्स में ये टोटल टर्नओवर का 7% डिवाइड होता है। अब जितना भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का पता चल जाएगा जब पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो 1 पॉइंट का आपको कितना मिलता है। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए की सेल करते हैं या 10 की करते हैं या 20 की करते हैं, आप ब्रॉन्ज लाइन है, लेकिन दूसरा ब्रॉन्ज लाइन जो 2 करोड़ की सेल करता है, आपका 20 लाख का पार्टिसिपेट करते हैं आप और वो करता है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ और 20 लाख का टोटल 7% निकाला जाएगा। ये नहीं कि आपको अपने 20 लाख का 7% मिले, 7% का फायदा मिलेगा उसका, नहीं, जो ज्यादा काम कर रहे हैं, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उसका भी आपको, यानी अगर आज ज्वाइन करेंगे इस कंपनी में आप फायदे में रह सकते हैं। जो पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं उनके काम करने का फायदा आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज से आप ब्रॉन्ज लाइन की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ महीनों में आप ब्रॉन्ज लाइन हो जाएंगे। बिहार में 3.5 साल में एक बंदा स्टार गोल्ड लाइन हुआ, स्टार गोल्ड लाइन जिसके नीचे 5 8-स्टार हैं, तो यानी वो दूसरे लोगों की कम जो सेल है उसकी कितनी इनकम मिल सकती होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना जबरदस्त बिजनेस मॉडल है ये। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ जाता है, आपको मजा आ जाएगा इनकम लेने में, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है एलाइड बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके बाद भी इंटरनेशनल बोनस है। इंटरनेशनल बोनस जो है रिटेल सेल से आता है सिर्फ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो रिटेल सेल होता है उसका 4% निकाला जाता है, 4% का रिटेल सेल का निकाला जाता है। ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार गोल्ड डायरेक्टर ऑन डायरेक्टर में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1% आपको पूरे वर्ल्ड का 1% मिलेगा, पूरे वर्ल्ड का जो 4% है उसका 1% मिलेगा। और सिल्वर पे आपको +1% मिलेगा। यानी ब्रॉन्ज लाइन जो है, आप मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आप ब्रॉन्ज लाइन हैं यानी आप टीचर हैं, आपको सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए, और जब आप हेडमास्टर हो जाते हैं तो आपको हेडमास्टर की सैलरी मिलती है, ना कि आपको टीचर की सैलरी मिलती है। लेकिन हमारी कंपनी आपको टीचर की भी सैलरी देती है और हेडमास्टर की भी सैलरी देती है, मास्टर की भी और हेडमास्टर की भी। यानी आपको ब्रॉन्ज का भी 1% मिलेगा प्लस सिल्वर का भी 1% मिलेगा। लेकिन ब्रॉन्ज का 1% कम होता है, सिल्वर का 1% ज्यादा होता है, क्योंकि सिल्वर लाइन कम है पूरे वर्ल्ड में और ब्रॉन्ज लाइन बहुत ज्यादा है। इस तरह से गोल्ड पे आपको 0.75% मिलता है, यानी आपका टोटल जो है अगर माना जाए, देखा जाए तो 2.75%, यानी 1% ब्रॉन्ज का और 1% सिल्वर का, और प्लस यानी प्लस वो 2% भी मिल रहे हैं, 1% ब्रॉन्ज का 1% सिल्वर का और प्लस 0.75% गोल्ड का,
प्लस 0.5% स्टार गोल्ड का, प्लस 0.5% डायरेक्टर का, प्लस 0.25% ऑनरी डायरेक्टर का, इसका टोटल करेंगे तो 4% होता है। ये पूरे वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस होता है उसका 4% का हिस्सा आपको मिलता है। दोस्तों ये बिजनेस हमारा जो ऑफिस है लैटिन अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, मास्को में, मास्को वाले ऑफिस में मैं गया हूँ, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त ऑफिस है। और जो पुतिन का ऑफिस है वहीं से बाय फीट जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, सिर्फ एक मिनट का रास्ता है, उसी रोड पे है हमारा ऑफिस। और वहां पे मान लीजिए साउथ पोल नॉर्थ पोल है लैटिन अमेरिका में, इस टाइम लोग जाग रहे होंगे और कई कंट्रीज हैं इस टाइम दिन है वहां पर और यहाँ पर रात है, अभी हम सो जाएंगे थोड़ी देर में, और जब हम सो जाएंगे तो दूसरी कंट्रीज में लोग काम कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे, टूथपेस्ट कर रहे होंगे, हमारा साबुन यूज कर रहे होंगे, उनके बाथरूम में साबुन के छींटे गिर रहे होंगी, टियांस के साबुन के छींटे गिर रहे होंगी, और इंडिया में आप सोए हुए हैं लेकिन आपके अकाउंट में पैसे की छींटे आ रहे होंगी क्योंकि आप ग्लोबल टर्नओवर बोनस के अंदर में आते हैं, यानी आपको 4% का हिस्सा मिल रहा है, चाहे आप ब्रॉन्ज लाइन है या फिर सिल्वर है या फिर गोल्ड है, स्टार गोल्ड है या डायरेक्टर है। दोस्तों आठवां बोनस इंटरनेशनल टूर, मैं लगभग बहुत सारे टूर पूरा यूरोप एशिया पूरा, मतलब कितनी कंट्रीज में बता दूं तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि कहां कहां गए हम, थाईलैंड 10-15 बार गए हैं, चाइना 10-15 बार गए हैं, मलेशिया 10-15 बार गए हैं, दुबई गए हैं, अबू धाबी गए हैं, नीस गए हैं, मिलान गए हैं, लियोन गए हैं, इटली गए हैं, पेरिस गए हैं, स्पेन गए हैं, और आपका श्रीलंका गए हैं, आपका सिंगापुर गए हैं, मलेशिया गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज हैं तो जहां पर हमें गए हैं, और मैं अकेला नहीं, हमारे साथ में बहुत बड़ा टीम, मैंने जैसे बोला आपको फ्रांस में हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो हम 82 लोग गए थे, और इंडोनेशिया में हम मेरे ख्याल से 800 लोग गए थे इंडिया से। तो यहाँ पे जो है मजा आता है काम करने में, और इसके बाद में जैसे आप गोल्ड हो जाएंगे आपको लग्जरियस कार फंड मिलेगा $30,000, और जैसे आप जो है डायरेक्टर बन जाते हैं, ऑनरी डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपको $1,70,000 मिल जाएंगे, लगभग 1.25 करोड़ के तो अवार्ड्स मिल जाते हैं आपको। दोस्तों ये आपका बिजनेस मॉडल था हमारा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। 8 तरह के बोनस है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं लास्ट में कि ये जो बिजनेस प्लान है ये आपको एक ही बार समझ में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी आप कर सकते हैं कि जैसे जिमनिमा है, जिमनिमा जो है वो 1100 रुपए का है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 1100 रुपए का है, उसमें 50% लगभग 40% 50% आपका मार्जिन है, यानी 500-600 रुपए आपका हर जिमनिमा में मिलता है, सैनिटरी नैपकिन में आपको 50-60 रुपए मिल जाता है। तो दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर मान लीजिए अगर आपके दिमाग में ये आता है कि भाई यहाँ करना क्या होगा, कैसे करना होगा, तो यहाँ पर वही करना है जो आप डेली करते थे, रोजमर्रा की लाइफ में करते थे, वही करना है यहाँ पर जो आप डेली लाइफ में करते थे। डेली लाइफ में क्या करते हैं आप, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, मतलब फ्रेश होते हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, और उसके बाद में आप अपने ऑफिस चले जाते हैं या फिर जहां भी स्कूल जाना हो या कहीं भी जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं। तो दिन में आपको लोग मिलते हैं और आप बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते लोगों को आप सलाह देते हैं, यानी आपको वही करना है यहाँ पर जो आप डेली लाइफ में करते हैं। डेली लाइफ में कहीं कहीं आपको मोबाइल की सलाह दे रहे होते हैं, ये मोबाइल ने ये मोबाइल ले लो, ये गाड़ी ने ये गाड़ी ले लो, ये प्रॉपर्टी ने ये प्रॉपर्टी ले लो, यानी फ्री में आप सलाह दे रहे होते हैं। और शादी में जब आप जाते हैं आपको नए लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, अनजान लोग मिलते हैं, कोई आपको बोलता है कि मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, आप उसको फलाना डॉक्टर अग्रवाल के पास जाओ, डॉक्टर गुप्ता के पास जाओ, डॉक्टर खान के पास जाओ, डॉक्टर उसके पास जाओ। लेकिन आज के बाद जब आप जाएंगे शादी में तो आप डॉक्टर उसके पास इसके पास मत जाओ ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जिमनिमा खाओ,
जिम्निमा से पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स दोबारा से रिजनरेट होती है, तो आपने 600 रुपए कमा लिए। यानी आप शादी में जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे तो आप सलाह देंगे। लेकिन जो बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं उनको मैं एग्जाम्पल दूंगा। मिसाल के तौर पर जिस शहर में आप रहते हैं, चाहे आप श्रीनगर में रहते हैं या जम्मू में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बता सकता हूँ। देखिए, 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में अगर आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, यानी फ्लेयरिंग करेंगे, यानी एक पर्चा बनाएंगे जिसमें लिखेंगे आप 5000 साल पुरानी जड़ी बूटियों के जरिए से शुगर का इलाज मुमकिन हो चुका है, जरूरत पड़ने पे इस नंबर पे फोन करें। यानी हिंदी में आप बता सकते हैं, 5000 साल पुरानी चीनी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शुगर का इलाज संभव हो चुका है, आवश्यकता पड़ने पे इस नंबर पे फोन करें। ऐसी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, और वो 5 लाख पर्चे आपने बनाने हैं, 5 लाख पर्चे आपने बनाए और वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं, न्यूज़पेपर में आप डाल सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के सामने आप फ्लेयरिंग कर सकते हैं, कहीं पर आप जो है A4 साइज का पेपर भी लगा सकते हैं, लोग आपको फोन करेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो उस पर्चे पे रखकर समोसा खाएंगे, कोई पकौड़ा रख के खाएगा, कोई हाथ साफ करेगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपसे वो प्रोडक्ट लेंगे शुगर के लिए, वो प्रोडक्ट लेंगे आपसे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो तरीका बता रहा हूं मैं। जब आप ये 5 लाख पर्चे छपवाएंगे, ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा, ये आपको 5000 पर्चे ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए के पड़ेंगे। आप 5000 करके आप छपवा सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे से फोन करें, मेरे से पूछें, मैं बता दूंगा कैसे करना है। कि वो पर्चे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आप मान लीजिए कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि वो पर्चे हम बांटेंगे, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, मैं कहता हूँ 12 महीने लगा लो, 1 साल में 5 लाख पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 साल में 5 लाख पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों में। बहुत सारे लोग उस पर्चे में समोसा रख के खाएंगे, हाथ साफ करेंगे, डरने का नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको फोन करके पूछेंगे कि भाई साहब इसकी क्या गारंटी है, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग विश्वास करेंगे, ले लेंगे आपसे। और अगर 5 लाख का 1 साल में 12 महीने में 10% भी रिजल्ट आया है, तो 5 लाख का 10% 50,000 लोग होते हैं, और 50,000 लोग अगर आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे 1 साल में भी, 5 लाख का 50%, 5 लाख का 10% 50,000 होता है, और 50,000 लोग अगर आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे, 2,000 रुपये का 1 महीने का कोर्स है, साथ में मल्टीविटामिन या जिंक दे सकते हैं और एक जिम्निमा दे सकते हैं, 6 महीने कंटिन्यू खाना है, लेकिन मैं 1 महीने की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, 1 महीने की कैलकुलेशन, 2,000 रुपये 1 महीने का खर्चा शुगर पेशेंट के लिए, और जिम्निमा खाने से पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो दोबारा से रिजनरेट होती है, और इंसुलिन अंदर से बिल्ड होना शुरू होता है, इंसुलिन अंदर से बनना शुरू होता है, और बीटा सेल्स दोबारा से रिजनरेट होती है, और इंसुलिन अंदर से बनना शुरू होता है, और शुगर का लेवल नॉर्मल आता है, और इस तरह से 6 महीने कंटिन्यू ये खाना है। लेकिन मान के चलिए एक ही महीने का लेते हैं लोग, 1 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, 5 लाख पर्चे आपने छपवाए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 10% रेस्पॉन्स मिला था, और वो 50,000 लोग होते हैं 12 महीने में, 1 साल में, 2000 × 50,000 अगर करेंगे ना हम कैलकुलेटर पे, तो ये 10 करोड़ रुपए आता है, 10 करोड़ रुपए आता है। ये देखिए, ये 2000 × 50,000, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए में 50% मार्जिन आपका है, 5 करोड़ आप 1 साल में कमाते हैं, 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। ये मैं एक जगह पे आज प्लान दे रहा था, वहां मैंने एग्जाम्पल दिया है, लोगों को बिलीव नहीं होता है बाबा रामदेव ने क्या किया है। अगर आप एयरटेल यूज करते हैं या जियो यूज करते हैं, ट्राई के हिसाब से जिस भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का सर्विसेज आप यूज करते हैं,
हर कस्टमर ₹5 देता है उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को। अगर एयरटेल 30 करोड़ भारतीय यूज करते हैं, 30 करोड़, तो भारती सुनील मित्तल जो एयरटेल का मालिक है वो एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं। एक दिन में हमारे देश में करोड़ों रुपए कमाने वाला आदमी भी है और एक जो ₹20,000 की जॉब ढूंढ रहा है। तो सोच पे डिपेंड करता है। मैं एक गांव से हूं, एक छोटे से गांव से हूं, मैंने सोचा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं दिल्ली चला गया और आपके सामने बहुत कुछ हो गया। अगर मैं घर में गांव में बैठता और मैं भी नौकरी के पीछे पड़ता, मैं भी सोचता सरकार ने हमें क्या दिया, मिनिस्टरों ने हमें क्या दिया, अरे भैया कोई कुछ नहीं देता है। आप ऐसे बनो, आप दुनिया को दे दो जैसे हम दे रहे हैं दुनिया को, आओ बिजनेस करो, पैसा कमा लो, ठीक है। अगर आप सरकार के पीछे पड़ेंगे, सरकार ने क्या दिया, तो तुमने सरकार को क्या दिया, तुम तो सरकार पे बोझ बने हुए। आप ऐसे बनो ना कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करो। अगर आप ये समझ में आ जाता है ना आपको, तो भाई साहब दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज हो सकती है आपके साथ में। तो मैं अभी लगभग 10 बजे हैं, 10:15 हो गए हैं, सोने का वक्त भी हो गया है लोगों को, लोगों ने खाना भी नहीं खाया अभी। तो आज मैंने ओपीपी खुद इसलिए किया है, मैं पहले बहुत ओपीपी करता था, पहले प्रेजेंटेशन देता था और अभी भी करूंगा, करता भी हूं, लेकिन जो श्रीनगर कश्मीर के लीडर हैं उनको इसी तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहिए और उसके बाद में फॉलोअप करना चाहिए और डेली आपके साथ में लोग जुड़े होने चाहिए। तो ये जूम मीटिंग सक्सेस रहेंगी 9 बजे की, 8:30 की, और बाबा इम्तियाज इसको चला रहे हैं, आज मैं इसमें आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेगडर है यहाँ पे, और मैंने 15 साल इस कंपनी में काम किया है, 15 इयर्स। 15 साल का टाइम जो है काफ़ी होता है, यानी जिंदगी का नॉर्मल एज, एवरेज एज जो है इंडिया की 60 है, तो यानी जो है चौथा हिस्सा मैं दे चुका हूँ। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो 15 साल पहले मेरे साथ जुड़े थे लोग, वो बुज़ुर्ग भी हो गए हैं, कुछ लोग जवान हो गए हैं, कुछ लोग बुज़ुर्ग हुए हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, 15 साल पहले मैं कभी उनसे हेल्प लिया करता था। नोएडा में एक डिस्ट्रीब्यूटर लेडी थी, उसने मेरी काफ़ी सपोर्ट की है, लेकिन उनके हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे उस टाइम थे, लेकिन मेरे हालात बदल गए हैं। वो ये वो खुद अपनी जबान से कहती हैं, वो लेडी बहुत, पॉल साहब उस लेडी को जानते हैं, उन्होंने मेरी, जब मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, मैं बस में ट्रैवल करता था, तो उस लेडी के पास कार थी और उस वक्त उनकी एज मेरे ख्याल से 55 इयर्स थी, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट की है। कभी कभी मुझे क्या सपोर्ट की है, उनके टीम में भी मैं प्रेजेंटेशन देने जाता था, तो कभी मैं उसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे आज वहाँ जाना है, तो आप अपनी जो है ना गाड़ी दे दीजिए, तो मेरी सपोर्ट करती थी। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जिंदगी में, आप एक ऐसे इंसान हो जिनको मैंने लाइव बदलते हुए देखा है, जिंदगी चेंज होते हुए देखा है। दोस्तों उस वक्त मैं एक ऐसे रूम में रह रहा था जब बाहर एक गाड़ी खड़ी होती थी, अंदर एक कमरा बना होता था, उसी कमरे में रहता था मैं, और 4,000 में उसकी रेंट देता था। हालांकि मैं घर से पैसे ले सकता था, मेरे फादर अच्छे ठीक पैसा कमाते थे, लेकिन मैं बहुत बार ले चुका था और बहुत बार ख़राब कर चुका था, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं जानता था मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर में बर्निंग डिज़ायर था, मैं मेहनती था, मैं मेहनत करना चाहता था, मैं डिपेंडेंट नहीं होता था किसी के ऊपर, कि घर वालों के ऊपर, सरकार के ऊपर, और इस बिजनेस में अपलाइन के ऊपर। मेरी अपलाइन भी है इस टाइम में ऑनलाइन, उनको भी पता है, पॉल साहब को, कि मैं कितना डिपेंडेंट रहा उन पे, वो भी जानते हैं, बता सकते हैं आपको।
तो मैंने झोला उठाया, मोदी जी कहते हैं ना तो हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे। झोला लेकर मैं 15 साल पहले चल गया था, झोला उठाया और दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, और आगे से नो नो नो, मैं दे प्लान नो, दे प्लान नो, दे प्लान यस। इस तरह से बहुत सारे लोग मेरे टीम में इस टाइम में हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास में तो दिल्ली से हैं, तो और बहुत सारे स्टेट से हैं। मैंने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, पैसे के बारे में नहीं सोचा, नुकसान के बारे में नहीं सोचा, फायदे के बारे में नहीं सोचा। मैंने इधर एक पट्टा लगाया, इधर एक पट्टा लगाया, ऊपर भी एक पट्टा लगाया, नीचे भी एक पट्टा, नीचे भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, उधर भी नहीं देखना, टारगेट की तरफ देखना। किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने बोला कि तुम अच्छा नहीं बोलते हैं, मेरे को पता है मेरे को बोलना अच्छा नहीं आता है, तो तुम क्या मुझे बोलोगे? मैं अच्छा नहीं, अच्छा बोलने से अगर मैं इतना कुछ कर पाया तो अच्छा बोलने से आप मेरे से ज्यादा अच्छा बोलोगे तो आप ज्यादा अच्छा करोगे हैं। तो बोलता कि भाई आप गलत प्रेजेंटेशन देते हैं। मैंने बोला गलत प्रेजेंटेशन देने से अगर इतना सारे लोग टीम बन सकता है तो अच्छा प्रेजेंटेशन तो तुम दोगे, तुम कितना अच्छा बना सकते हो। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती थी, हुई है। और अपने करीबी लोगों ने बोला नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, अरे तुम वहां नहीं रह सकते हो, अरे तुम ये नहीं, अरे तुम वैसे नहीं हो सकते हो। यहाँ जो है ना, ये कहते हैं ना, इस कान से सुनो इस कान से छोड़ो। मैंने ऐसा नहीं किया है, इसी कान से रिपोर्ट किया। कान में गलत नहीं सुनाई देता है, जैसे कोई गलत बोलता है तो उसको मैं बोलता हूँ मेरे कान में फेविकोल डला हुआ है, नहीं जाएगा, बात नहीं सुनता मैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने स्ट्रगल करके, मैं आपको बताऊँ, इंडिया के 29 स्टेट्स में मैं घूमा हूँ। मैंने एक गाड़ी लगभग 2 लाख किलोमीटर चलाई है, एक गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर चलाई है। मैं दिल्ली से बाई कार गुजरात, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, उड़ीसा में गया, मैं अनुकूल, राहुल किला, भुवनेश्वर और बहुत सारी, मतलब जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और हरियाणा, पूरा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बिहार, सब जगह पे गया मैं। जैसे कोई बिहार से कोई मुझे मिलता है, मैं बोलता हूँ कहाँ के हो, मतलब फलानी, मैं गया हूँ वहाँ पे। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये फायदा मिला है, पूरी दुनिया देख ली है, सब चीज, किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। और जो ड्रीम था कि एक अच्छा घर बने, एक ये बने, एक गाड़ी हो, एक ये हो, अब एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां हो गई, एक घर नहीं कई घर हो गए, पैसे नहीं बहुत पैसा आ रहा है, तो और क्या चाहिए। तो आपको भी मैं आज इनवाइट कर रहा हूं, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कहता हूं, ना मुझे अच्छा लगता बनावटी बातें, मैं गड़ी हुई बातें, संभाली हुई बातें, और जो है ना उसको जो है ना मेकअप करना, बात का भी मेकअप होता है ना, बात को मेकअप करके फिर बताना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मेरे दिमाग में, दिल में आता है मैं आपको बोल रहा हूं। आप बिलीव कीजिए, ये बिजनेस दुनिया का एक ऐसा मात्र बिजनेस है जो वाकई में एक आम इंसान की लाइफ को बदल सकता है। आज आपको भी ये मौका मिला है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना समझे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो टाइम ले लीजिए, लेकिन समझ लीजिए और इस बिजनेस को करिए, आपको बहुत 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 फायदा हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। बाबा साहब आप लाइन पे हैं, पॉल साहब आप लाइन पे हैं? जी जी बिल्कुल लाइन पे हैं सर। पॉल सर आप लाइन पे हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी लाइन में। पॉल सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप आगे की क्लोजिंग संभाल लीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा इम्तियाज साहब, एजाज डार साहब, एजाज वार साहब और हसीना मैम। हसीना मैम आप वाकई में जबरदस्त लीडर हैं, और बशारत ऋषि जी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बशारत ऋषि जी ने पिछले 4-5 महीने से इतना बढ़िया काम किया है, और हसीना मैम ने इतना अच्छा काम, उनका पहले नहीं हो पाता था। पहले क्यों नहीं हो पाता था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैं इसी तरह से चाहूंगा कि पूरे कश्मीर में जिस तरह से बशारत ऋषि जी काम कर रहे हैं, हसीना मैम काम कर रहे हैं और
उमर साहब हैं, मुजम्मिल साहब हैं और इस तरह से एजाज वार साहब हैं। तो ये लोग जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे कश्मीर को इनसे सीखना चाहिए। हसीना मैम लॉकडाउन में भी इन्होंने प्रेजेंटेशंस दी हैं और हसीना मैम का टीम जो है, ये फोटोग्राफ्स में देखता हूँ जो आप लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लॉकडाउन में भी आप लोगों ने काम किया, तो आप लोग एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं कश्मीर के अंदर में। तो मैं दुआ करूंगा कि जो आप लोगों का मकसद है वो उसमें आप कामयाब हो जाएं, आप जल्दी टॉप लेवल पे पहुंच जाएं। और एजाज डार साहब और इम्तियाज बाबा साहब और जिलानी सर बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम करेंगे। सब सारे लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू पॉल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार शिख साहब, आपने माहौल बना दिया। यही एक लीडर की निशानी होती है, जब खड़े हो गए ना, कहते जब जागो तब सवेरा, जहां लीडर खड़ा होता है वहां लाइन शुरू होती है। कश्मीर की टीम के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज है कि अभी हालांकि 2G चल रहा है, पर 2G में भी आप कर पा रहे हो इतना कुछ। नहीं, मेरा ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, लैंडलाइन से कर रहा हूँ मैं, मेरा मैंने लगा दिया कनेक्शन। नहीं, आपका तो हुआ हो रहा होगा सर, लेकिन बाकी है ना, और लोग भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो पिछला 1-2 साल हम लोग काफी डिस्टर्ब रहे, बहुत सारी चैलेंज रही कश्मीर में, और ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने कुछ ऐसी चैलेंज रखी कि हम लोगों की परीक्षा हुई। और मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग इस परीक्षा में पास हो चुके हो और ये परीक्षाएं जिंदगी में चलती हैं। जैसे शेख साहब ने कहा कि बहुत सारे अप डाउन के साथ शुरू किया जिंदगी इन्होंने, और करते 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 आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हैरान होते हैं इनकी जिंदगी को देखकर, इनकी स्टोरी को सुनकर। मैं इनके बारे में ना जाने कितने लोगों से बताता हूँ तो उनको विश्वास भी नहीं होता है, कहते ये वही शेख साहब। मैं कहा शेख साहब पता ही नहीं आपको, आप कहाँ जी रहे हो। मैं कहा आप तो शेख साहब के नाखून के बराबर नहीं हो। वो फिर बोलते भाई साहब क्यों बेइज्जती कर रहे हो हमारी। मैं कहा बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, लेकिन लगेगी बेइज्जती क्योंकि सच तो सच ही होता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा हो गया है भाई। तो ये शेख साहब ने मेहनत की दिल से और लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और आज भी मैं देख रहा हूँ शेख साहब, अभी तो ट्रेलर है ये, जो कुछ हुआ है ना अभी जिंदगी में हमारे, ये फिलहाल ट्रेलर है। हम बहुत कुछ करने वाले हैं अगले 5 से 10 सालों में, यकीन करना, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग से आपका नाम, आपकी ख्याति, आपकी जान पहचान, फेमस, आप इतने फेमस हो जाएंगे और ज्यादा, मतलब कि हर आदमी के दिमाग में होगा कि हिंदुस्तान में एक नेटवर्कर है शेख अबू जायद, ऐसे बाबा इम्तियाज है, डार साहब है, वार साहब है, जो भी हसीना जी हैं, एक ऐसी महिला, एक ऐसी ख्वातीन बोलते ना, मुझे थोड़ा सीखना है अभी, ठीक है। तो ये वो लीडर है जो मैं बोला हूँ कि ये जैसे खालिदा जिया है ना, खालिदा बेगम, कौन कौन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति थी, इस तरह का एक पोजीशन इनका बनेगा। जैसे मुफ्ती मोहम्मद है उधर, है ना, मंत्रियों के उसमें देखते हैं ना, हम सुनते हैं वहां की नेता कश्मीर की, तो शायद आप भी क्यांस में और नेटवर्क मार्केटिंग में एक रोल मॉडल बनेंगी। और डार साहब है, बाबा जी है, वार साहब है, आशिक जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनको एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में वो पावर है, वो शक्ति है, वो ताकत है कि आने वाले टाइम में आप कश्मीर का नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आप कश्मीर में रहते हो, दुनिया थोड़ी कश्मीर में रहती है, आप कश्मीर में रहते हो, पूरी दुनिया दुनिया में रहती है और हिंदुस्तान में रहती है। शुरुआत मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर से ये शेख साहब बिलोंग करते हैं, लेकिन आज देखो आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में बिजनेस पहुंच गया। हम थोड़ी गए वहां पे, वहां ना नेटवर्किंग हम कर रहे हैं, बस सियांशी तो हर जगह है। तो सियांशी को लेकर कुछ थोड़े बहुत लोगों ने अफवाहें फैलाई थी जो 4-6 महीने पहले, अब आपने देखा होगा सब नेस्तान बूंद हो गए, नेस्तान बूंद बोलते ना उसको, मिट्टी हो गए हैं, सब मिट्टी में मिल गए हैं, त्राही माम हो गया, त्राही माम जानते होंगे, हिंदी में एक वर्ड है त्राही माम, हाहाकार मच गया है, हमारी जो है जय जयकार हो रही है और लोगों के अंदर हाहाकार मच गया है। ये त्यांस की शक्ति है, त्यांस की पावर है, और साथ में जो लीडर हैं
जो बिल्कुल मैदान में मैदान छोड़ के नहीं भागे हैं, मैदान में टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं दुआ करूंगा शेख साहब आपके लिए भी, पूरी टीम के हो, कि ईश्वर भगवान आपको ऐसी शक्ति दे, ऐसी ताकत दे, इस बिजनेस से आप जो लोग अभी एक स्टार में हैं वो एक स्टार बने, जो एक स्टार बन गए ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं वो गोल्ड लाइन बने, और हम सब लोग जो गोल्ड हैं, शेख साहब स्टार गोल्ड हैं, हमारा टारगेट सिर्फ अब डायरेक्टर और ऑनररी डायरेक्टर ही है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम सब लोग अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने टारगेट को और गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, और जब भी मेरी जरूरत पड़े, जहाँ भी जरूरत पड़े, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर। तो बहुत मजा आया आज का प्रोग्राम, आपने इतना शानदार सक्सेसफुल किया, और आगे की कार्रवाई के लिए हम बुलाएंगे बाबा जी को और भी जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, अगर उनके भी दो शब्द लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा इम्तियाज तो हमेशा बोलते हैं, अभी सोपोर से मैं चाहूंगा एजाज वार साहब दो शब्द कहें, उसके बाद जिलानी साहब। जी जी जी, वो दोनों ही लाइन में और दोनों के पास ही मेरे ख्याल में कोस्ट हैं, तो पहले वार साहब को बुलाइए। वार साहब वेलकम, और लास्ट में थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जी वार साहब, और वार साहब नहीं है तो वार साहब हैं शायद मेरे ख्याल में, मैं देखता हूँ उनका, कई भाई वो हैं तो हैं, लेकिन तो अभी आगे आगे जी अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, वो शायद ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि वो अभी मेरे से यहाँ से चले गए थे, तो हम लोगों की मीटिंग थी यहाँ पे अनंतनाग में। सर तो, जी बाबा जी, सर, बाबा मुझे, जी सर मुझे इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, सर बिल्कुल सर, मेरे साथ में एक जबरदस्त छुपा रुस्तम 7 स्टार है जो अभी तक जूम मीटिंग में नहीं आता था, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर हिलाल अहमद शाह साहब जो है, लेकिन मेरे साथ ही है, मेरे सामने लाइन पे, अभी अभी हमने मीटिंग खत्म की, इधर भी मीटिंग चल रही थी, उधर भी मीटिंग चल रही थी, तो मैं इनसे जो है आज थोड़ा सा आपको बात करवाना चाहूंगा। लाइन में लेके दीजिए ना, अस्सलाम वालेकुम, दूर दूर तक जुड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब मस्त हैं, आपकी आवाज़ हम बहुत मशकूर हैं आपके, कि आप हमको ये नॉलेज दे रहे हैं, तो माशाल्लाह खुदा के फजल से हम तो इंशाल्लाह कामयाब की ओर दौड़ रहे हैं। तो एक आपके साथ मैं क्या बात करूं, लेकिन एक बात मुझे याद आती है, जब दिल्ली में हमारा सेमिनार था तो वहां किसी ने मुझे एक नसीहत की थी सर, तो उन्होंने कहा कि टियान इज एन एसेट, टियान इज एन एसेट, डोंट ट्राई टू फॉरगेट इट। तो मुझे बहुत लगा अच्छा, तो इंशाल्लाह इसके पीछे दौड़ा हूँ। तो अब मेरी रिटायरमेंट हो रही है गवर्नमेंट में, तो अब सिर्फ एक काम है, सिर्फ टियान इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम सर, अभी हम नाइट मीटिंग करेंगे, अभी हम बैठे हैं, ये लेटे हैं, अभी नाइट मीटिंग चलेगी 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, बाबा 2 बजे तक हम बैठेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, बहस करेंगे। अरे बाबा साहब, नेटवर्कर का नाम, नेटवर्कर का जो थप्पा है ना जिंदगी में, उस आदमी को लगता है जिस दिन उसने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मीटिंग की ना, उस दिन के बाद ये डिसाइड होता है कि ये वाकई में नेटवर्क बन गया है, उससे पहले तो टेस्टिंग कर रहे हैं। जी जी जी, अभी मैं आया हूँ सर, घर से बाहर बहुत दूर है, एक हिली एरिया कुकरनाग, एक बहुत ही बढ़िया फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत दूर से अमेरिका से लोग आते हैं, ये आप भी आइएगा, यहाँ पे शेख साहब के घर के बगल में ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसी एरिया से है, एक एरिया पास में, उसके बगल में। बहुत बढ़िया, पानी भी पियो, प्लान भी दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम घर के जो घर का जो है ना, जो घर का मेंबर है, उसका जो है पूरा जो है वो क्या कहते हैं,
रेड पड़ेगी उस पे और उसको समझाएंगे कि आप लाइफ को। अगली आवाज हसीना जी की। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, ऑल द बेस्ट जी। हसीना जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सर जबरदस्त सर, मैं क्या बोलूं, मेरा नाम हसीना है, कश्मीर से ही हूं और कर रही हूं, सीख रही हूं और कर रही हूं, इंशाल्लाह हम भी आगे आगे आ रहे हैं तो बहुत आगे जाना है। नहीं यस यस यस, आपने तो प्रूफ करके दिखा दिया है, हर हालात में हम खड़े हैं। हाँ, खड़े रहना है यस, और आगे जाना है। हाँ, आगे तो जाना है, जो भी हमारे पीछे, जो हमारे हमसे छूट गया, हम छूटने नहीं देंगे। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने टीम को भी सिखाएंगे, अपनी टीम को भी आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआ से आपका साथ होना चाहिए सर। ऑलवेज ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एजाज वार साहब को, एजाज वार साहब लाइन पे आ रहे हैं। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लीजिए उनको, अनम्यूट। बिल्कुल बिल्कुल, एजाज वार का लीजिए, अनम्यूट है वो जी। हेलो वार साहब, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सर। गुड मॉर्निंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दे दिया। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दी। उसके बाद मैं अपने सीनियर्स का, शेख अबू जैद सर का, बाबा सर का, पाल सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ये कंपनी वक्त पे साइन की थी, और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं होते इस टियानस में। तो अगर बात करेंगे टियानस की, पिछले कुछ सालों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और जो भी काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी और दिल से कर रहा हूँ। तो ये तो हमने अभी शुरुआत की है, इंशाल्लाह रहमान आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह रहमान जैसे आप देख भी रहे हो, तो बिजनेस में हमने तो शुरुआत तो की है, कदम तो उठाए। अब इंशाल्लाह रहमान ऊपर वाले के बस में है, वो फल सही देगा इंशाल्लाह रहमान। और पूरी कोशिश करते हैं कि टियानस जम्मू कश्मीर को और टियानस इंडिया को नंबर वन बनाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स का जो सपोर्ट है, जैसे कि शेख सर का, मैं अगर हमारे मजहब में, मैं एक बात बताऊंगा, मतलब अगर हमारे मजहब में किसी को पूछने की चाहत हो तो मैं शेख अबू जैद सर को पूछ देता, क्योंकि इसने मुझे वक्त वक्त पे सिखाया, समझाया कि किस तरीके से काम करना होता है और कैसे काम करना होता है। आज मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूं कि मेरे साथ ऐसे सीनियर्स मुझे मिले हैं, ऊपर वाले ने ऐसे गाइड दिए, ऐसे टीचर्स दिए हैं। थैंक यू वेरी मच शेख सर, आपने मुझे मौका दे दिया, पाल सर आपने मुझे मौका दे दिया। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह रहमान आगे भी जाऊंगा। कुछ जैसे कि मेरे पास जो कुछ सपने थे वो पूरे होते जा रहे, और इंशाल्लाह रहमान जितने भी सपने हैं वो पूरे होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ऊपर वाले की बदौलत से और आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑल द बेस्ट जी। शेख साहब जी सर, तो अभी जो है काफी लेट हो चुका है, और कोई अगर बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। 10:30 हो चुके हैं और लोगों ने इससे पहले भी सेशन अटेंड किया। तस्लीमा जी भी है, तस्लीमा जी से बात करें। तस्लीमा जी से बात कीजिए जी। तस्लीमा जी, वन मोर वुमेन्स पावर, आपकी स्क्रीन पे आपकी तस्वीर आ रही है इसलिए हमने चाहा कि आपको भी हम अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम जी। हसीना जी सही है सर? हाँ, तस्लीमा जी को कुछ कहना होगा, शेयर मत करेगी कुछ तो उसको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना हसीना जी, आप वहां से अनम्यूट कीजिए अपना। तस्लीमा जी आप अनम्यूट कीजिए अपना। जी किया आप स्क्रीन में। हाँ हो गया, हो गया, वेरी गुड, वेलकम। हेलो जी, अच्छा जी हम सुन रहे हैं। जी आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, मैं हम ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह ताला का।
ठंड होने लग गई है कश्मीर में, है ना? जी सर। आपका डेमोंस्ट्रेशन देख रहा था मैं, आपके फोटोग्राफ्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी हसीना जी का टीम सारा मोटिवेट होता है। जी जी जी, उसी की बदौलत है। जी जी जी, तो तस्लीमा जी, आपको सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा है जो सबसे ज्यादा आपका? जी सर, इसमें सभी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। हेलो। जी 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 जी, इसमें सभी आप इस बिजनेस में कैसे आए हैं? जी मैं तस्लीमा मैडम की तरफ से आई थी। मैंने भी यूज किया था पैंटी लाइनर और सेंट्री नैपकिन। Okay. लेकिन बहुत ही अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? जी कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? जी बस मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि इसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल इस्तेमाल कीजिए। वेरी गुड। अब एक आवाज भारती सिंह जी की तरफ ले आते हैं, भारती शर्मा, देखते हैं भारती जी की आवाज निकलती है कि नहीं। भारती शर्मा जी और नवजोत कौर जी भी लाइन पे हैं, नवजोत कौर से भी हम मैसेज लेंगे। जी भारती जी वेलकम। सर जी गुड मॉर्निंग। सर जी फॉल सर थैंक यू, आपने भी जबरदस्त धोनी बना रखा है। और अभिषेक सर आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए तो मैं, मेरा बस हो तो कहीं भी चली जाऊँ। आपको याद होगा मैं जयपुर चली गई थी, मुझे रास्ता नहीं पता था और अकेली गई थी, रात को आई थी। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कश्मीर में हसीना जी हैं, दिल्ली में भारती मैम, तूफान का काम करती हूँ। थैंक यू सर। और आप, मैं भारती मैम के बारे में आपको बोलूंगा, पॉल सर, ये मैम जो है ये नेपाल आपका कारगिल में इनका टीम है। ये कारगिल बायर जाती है और वहां पर काम करके आती हैं, और इधर से नेपाल जाती हैं आपका, मतलब पूरे इंडिया में इनका टीम है और आउट ऑफ इंडिया में भी है। और अभी इन्होंने बहुत ही शानदार जानदार और बहुत सुंदर ऑफिस बनाया है दिल्ली में अपना पर्सनल, और जहां पर इन्होंने मशीन्स वगैरह सब रखी है और जहां प्रेजेंटेशन होती है। मैं चाहूंगा खुद अपनी जबान से बोलेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी तारीफ करी जबकि मेरी ये, मैं इतना तारीफ के काबिल तो नहीं। सारा मैं अपना प्रोस्पेक्ट खुद ही करती हूँ, मुझे वो प्रोस्पेक्ट करना अच्छा लगता है। और वो चीज मैंने पहले तो मुझे मेरे अंदर ही था लेकिन मुझे निकालना नहीं आता था, लेकिन प्रोस्पेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और वो मुझे आपसे मिला है। और उसी प्रोजेक्ट आपका बी बार का जो सेशन है उसके लिए मैंने सबको बोला कि अगर उसमें नहीं आए तो मैं तुम्हारी टीम में कहीं नहीं आऊंगी। तो मुझे इतना प्रैक्टिकल लगता है आपका कि आप करते हैं और जो जो चीजें भोगा है वो एक एक स्टेप को आप बिल्कुल, जैसे आने से उठने से बैठने से खाने से, उस तरीके का आपका प्रोस्पेक्ट करना, लोगों से कैसे बात करना। क्योंकि हकीकत ये है कि जब भी ज्वाइनिंग करते हैं ना तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट से ही शुरू होता है, चाहे वो फोन से हो, चाहे हम बाहर जा रहे हो, चाहे दुकान वाले के पास जा रहे हो, सबके मन में एक ही बात आता है कि पहला शब्द क्या बोले। और वो प्रोस्पेक्ट अगर क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली आगे बात करना झिझक नहीं होता। और मुझे बहुत ज्यादा, मतलब हेल्प नहीं, मैं कहूंगी कि बस वो तरीका मैंने आपसे भी सीखा बहुत ज्यादा। और मैं बहुत ज्यादा उसी चीज के लिए एनडीओ और आपके प्रोस्पेक्ट को ही ज्यादा करती हूँ। मुझे और चीज बहुत शुक्र पाल सर और रुपेश सर ने मुझे जो, मुझे मैं पर्सनली तौर से जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, शायद वो हमें जिंदगी भर नहीं मिलता अगर कोरोना नहीं होता। थैंक्स कोरोना एंड थैंक्स पाल सर, आप लोगों का थैंक्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। पाल सर अभी कोई उसमें है, कोई वेटिंग रूम वेटिंग में है, वो जुड़ना चाहते हैं इस मीटिंग में दो मिनट के लिए, वो नीरज यादव है शायद कोई लड़का। अच्छा अभी नवजोत कौर मैम है जो जिनसे हम कुछ सीखेंगे, कुछ मैसेज लेंगे। और बहुत जिसे कहते हैं ना हिम्मत वाली लड़की है जिन्होंने। नवजोत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जम्मू, मोस्ट वेलकम।
पाल सर थैंक यू, आपने जम्मू का नाम लिया। वैसे मैं कब से सुन रही थी कि जम्मू का नाम कब आएगा, बट शेख सर गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो सर मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेख सर को सब कुछ पता है मेरे बारे में, मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या सब कुछ है, वो शेख सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और थैंक्स टू शेख सर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो मेंटर हैं शेख सर, मेरे हिसाब से तो वही मेरे फादर फिगर है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहते ना उंगली पकड़ के समझाया कि कहाँ पर मैं गलत थी और मुझे किस ट्रैक पर आना चाहिए। और सर आपको पता ही है कि इस सब चीज में लाने वाले लोगों के अपलाइन हेल्प करते हैं, तो शायद मेरे डाउनलाइन ने मेरी बड़ी हेल्प की है। आप सर जानते हैं अमन सर को बहुत अच्छी तरीके से, जिन्होंने मुझे फिर दोबारा इस... उनके लिए हम दो मिनट की शेयरिंग सुनेंगे, क्योंकि इज अ वेरी जेंटल पर्सन। मैंने बहुत लोग इस दुनिया में देखे हैं जो मतलब अपना काम करते हैं, वो कहते हैं ना अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करके ज्यादा खुश रहते हैं। तो उनमें से अमनदीप जी एक इंसान मैंने देखे हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूं कि आपके टीम में रहकर वो सबकी सपोर्ट करते हैं, तो उनसे भी दो मिनट हम सुने मिले आपकी बात। ट्रू है, ये बात सही है कि मेरी टीम में है लेकिन वो सबको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उनको वो कहते हैं मुझे मतलब ही नहीं समझ आता है क्रॉस लाइन और अपलाइन का, मेरे को ये मतलब है कि मुझे सिर्फ समझाना है किसी को। और वो चीज भी उनको कहाँ से मिली है सर, जब उन्होंने आपका सेशन लिया है, जब आपका सेशन उन्होंने लास्ट टाइम लिया था जब आप जम्मू आए थे, तब से वो ज्यादा इंस्पायर हुए आपसे। मैंने तो सिर्फ उनको उंगली पकड़ाई थी, बाकी सब उन्होंने खुद पकड़ लिया। तो सर थैंक यू, आप जैसे कश्मीर की टीम आगे बढ़ रही है, आई होप जम्मू की टीम भी आगे जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी आगे, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक हम पहुंचे ताकि जम्मू का नाम भी आगे बढ़ सके, और जम्मू का नाम है तो आपका नाम भी आगे हम ला सके सर। जम्मू कश्मीर जी सर, जम्मू कश्मीर, जम्मू भी आगे बढ़ेंगे। अब वहाँ बहुत जबरदस्त लीडर है अमनदीप जी, अमनदीप जी को थोड़ा सा वक्त और लगेगा, 2-4 महीने लग सकते हैं, और इंडिया में जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से उनका नाम होगा, क्योंकि उनके अंदर में जिस इंसान के अंदर में इंसानियत होगी, सबसे पहले अच्छा इंसान अच्छा बाप बन सकता है, अच्छा भाई बन सकता है, अच्छा बेटा बन सकता है, अच्छा दोस्त, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा टीचर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, सबसे पहले उसे अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो अमनदीप जी अच्छे इंसान हैं और मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे नेटवर्कर बनेंगे और बहुत बढ़िया इंडिया लेवल के, आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर लीड करेंगे वो, उनके अंदर टैलेंट भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट हम उनसे भी बात करें, उन्हें भी अनम्यूट करें। पॉल साहब जी जी, मोस्ट वेलकम अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पॉल सर, गुड मॉर्निंग शेख सर, गुड मॉर्निंग नवजोत मैम। आपकी नवजोत मैम और शेख सर आपकी ऑडियंस के लिए सर थैंक्स करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है सर। ये सर सर आपका आपने सर एक चीज सिखाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो फोटोकॉपी होती जाइए, फोटोकॉपी होती जाइए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपीकैट सर आपको किया है सर, आप यकीन कीजिए शेख सर, हम जहां भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जो चीज सर आपने सिखाई है हमको, अपने ऑफिस में दिल्ली वाले ऑफिस में बैठ के अपने 3-4 घंटे हमारा अलग से सेशन लिया था, जिसमें आपने हमसे हमको बात करना सिखाया था, हाउ टू बिहेव, जो आपने ट्रांसपेरेंसी की बात समझाई है सर या बताई है, वो सर सिर्फ सब हमने आपसे सीखी है सर। और पाल सर, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग मोर, अभी तो जेएनके में 2G चल रहा है सर, हमने तो इवन तब भी सर बहुत अच्छा काम किया है जब जेएनके में इंटरनेट भी बंद हो गया था, हम लोग यहाँ से जम्मू से 2 किलोमीटर दूर सर बॉर्डर पड़ता है लखनपुर बॉर्डर पंजाब के साथ, तो हम लोग हफ्ते में 2 बार पंजाब जाते थे, वहां पे जाके इंटरनेट एक्सेस करते थे, और अपने जितनी भी हमारी टीम चाहे वो कोई भी हो, हमारे डाउनलाइन अपलाइन क्रॉस कोई भी हो, सबके एक साथ ऑर्डर ले जाके वहां हम इंटरनेट एक्सेस करके ऑर्डर डालते थे। और पाल सर, मैं अभी तक टियांस को या नेटवर्क मार्केटिंग को
सेकंड वो लेके चल रहा था, साइड बिजनेस लेके चल रहा था, बट शेख सर इज अवेयर आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन. मैंने एक फर्स्ट अक्टूबर वाज माय लास्ट वर्किंग डे विद माय कंपनी जहां मैं एक इंजीनियर की जॉब करता था, आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर देयर. तो मैंने उस जॉब को क्विट करके सिर्फ शेख सर को ट्यांस को देख के नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम के लिए मैंने स्टार्ट किया है. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सब की मदद से सर, जो ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है सर पिछले 6 महीने से, तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर. हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग रात को 9 बजे वाली मीटिंग सुन के 10:30-11 तक फुल मोटिवेट हो जाते हैं और नेक्स्ट डे के लिए हमारा पूरा टारगेट तैयार होता है कि हमने, हाँ हमने 3 प्लान शो करने हैं, हमने 2-4 अपनी ग्रुप में जूम मीटिंग करनी है और जो नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको शाम वाली जूम मीटिंग में लेके आना है और बाकी का काम खुद ही हो जाता है. उसमें सर पाल सर आपकी मीटिंग्स हैं, रुपेश सर की मीटिंग्स हैं, एके पांडे सर की मीटिंग्स हैं, तो बाकी का काम आप सब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है सर. बाकी सर इसको मैं कंक्लूड करने के लिए बोलूंगा कि सर जितने भी यहाँ पे हमारे साथ लीडर्स जुड़े हैं, आप सब जूम मीटिंग में जरूर आए. क्योंकि पहले क्या होता था, अगर हमको मान लीजिए किसी भी अपने टॉप लीडर से मिलना होता था तो हमको 1000 रुपए की टिकट खर्च के बस की, गाड़ी की, प्लेन की, ट्रेन की जाना पड़ता था दिल्ली, मुंबई, कहीं भी. लेकिन आज रात को आराम से अपने घर पे बैठ के आप जूम मीटिंग सुन सकते हैं और डेली कुछ ना कुछ हमको नया सर सीखने को मिल रहा है. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू पाल सर आपके लिए, आपने मुझे बात करने का मौका दिया. शेख सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया अमन जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू यू. थैंक यू सर. जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, इन्होंने इतना जबरदस्त डिसीजन लिया है और मैं ये दुआ करूंगा कि आपका ये डिसीजन जिंदगी में हमेशा आपको प्राउड फील होगा खुद पर. इन्होंने जॉब क्विट किए हैं, डॉक्टर अनुराग जो है वो एयरफोर्स में एज ए डॉक्टर थे, उन्होंने जॉब क्विट की है, इनको 20 लाख का पैकेज था, इन्होंने जॉब क्विट की है. मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आप सीखो, आप देखिए कि लोग जॉब के पीछे पड़े हैं और यहाँ लोग जॉब ही छोड़ते हैं इस काम को करने के लिए. तो हमें जूम के साथ जुड़ना चाहिए, जूम में धूम मचाना चाहिए. पॉल साहब आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको भी मेरी तरफ से सलाम है, आपने बहुत मेहनत की है. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह के, मैं जब आपको देखता हूँ इतनी मेहनत करते हुए मैं इंस्पायर हो जाता हूँ. आप जिस तरह से बोलते हैं 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, और बोलने में सबसे ज्यादा कैपेसिटी लगती है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है. आपने जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं जूम पे 4-4, 6-6 घंटे बोलते हैं, मैं सारे लीडर से कहूंगा और कहता भी हूँ कि मेरे दोस्तों देखो कि एक इंसान फरीदाबाद में बैठे हुए वहाँ अपने रूम में पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया तरक्की करे. नहीं तो पाल साहब मैं ये भी जानता हूँ कि आप अगर आज काम नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चलेगा. एक साइड में तो मैं हूँ आपके, बाकी साइड में आपका, एक साइड में गुजरात है, एक साइड में और कोई, तो आपका काम तो बिना किए भी चल सकता है. लेकिन आपको सलाम है रियली कि आप आज भी उसी एनर्जी के साथ में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ में आपने इस बिजनेस को शुरू किया था. मैंने आपको देखा है एक 1000-1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए प्रेजेंटेशन देने के लिए. आपने नई गाड़ी लगभग 40-45 लाख रुपए की खरीदी, उससे आप गुजरात चले गए, ठीक है. तो 40-50 लाख रुपए की गाड़ी रोड पे दौड़ाना, प्लान देने के लिए जाना, इसको गट्स कहते हैं, इसको हिम्मत कहते हैं, इसको लीडरशिप कहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, इसको अपने काम से मोहब्बत कहते हैं, इसको कामयाबी का एक सिंबल कहते हैं. तो कई लोग लैपटॉप नहीं लेते हैं, कई लोग मोबाइल फोन नहीं लेते हैं, वो सोचता है कि पहले पैसे कमा लेंगे फिर देखेंगे, फिर जब पैसा आता है तो उस पर सांप बिठाते हैं, फन वाला सांप, कि इसमें पैसा खर्च ना हो. तो मैं कहूँगा कि भैया ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के हिसाब से करें, जूम में जुड़े, ईमानदारी के साथ बिजनेस करें. आप जितने भी लोग आपके टीम में हैं सबको मैसेजेस करा करें, दिन में कम से कम 2-3 फोन कर लिया करें लोगों को. और जिस मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता हूं और 10 बजे तक मैं 5 कॉल्स करता हूं, 10 बजे नमाज पढ़ने के बाद में 5 कॉल्स करता हूं 5 लीडर्स को. ये मेरा डेली का रूटीन है और उनमें से कुछ लोग लाइन पे भी है. तो
पाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि और भी लीडर्स हैं उनका। आज का प्रोग्राम सर बहुत अच्छा रहा आपका और हम सब ने मिलकर इसको कामयाब किया, तो ऐसे ही अगला प्रोग्राम हम अनाउंस करेंगे और ऐसे ही ये सिलसिला जारी है, चलता रहेगा सभी लोगों के लिए, सभी लीडर्स के लिए, सभी टीम के लिए। हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स रॉक टुगेदर, लेट्स फ्लाई टुगेदर, बेटर सियांस बेटर लाइफ। तो इजाजत लेते हैं शेख साहब सभी लोगों से। थैंक यू सो मच, है ना। कल फिर से 8:30 बजे, इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी करेंगे। 8:30 बजे फिर से ओपीपी होगा भाई बाबा इम्तियाज। जी जी, मोस्ट वेलकम। मैं भी रहूंगा। मैं कल सोपोर में हूँ, कल मैं सोपोर में रहूंगा, लेकिन मैं इस मीटिंग में जरूर रहूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए यहीं पर हम मीटिंग को खत्म करते हैं, आप सबसे इजाजत लेते हैं। वंस अगेन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सबा खैर।